हाँ यस ठीक चल। तो अपन बात कर रहे थे कि नेगेटिव चार्ज की, तो इसमें हर एक ऑप्शन है बेंड एटम पे। अच्छा दूसरी बात, बॉन्ड ऑर्डर के लिए अपन को क्या करना होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड द सेंट्रल एटम और जितने जगह डिलोकलाइजेशन पॉसिबल है वो सभी उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। तो कितने हो जाएंगे, जितने एटम है सभी ये इस पर जा सकता है, ये भी 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 जा सकता है, मतलब 6 डिलोकलाइजेशन है। जब उस पर नेगेटिव चार्ज है तो वो कहीं और भी आ सकता है, पर कहेंगे ये इसका बॉन्ड ऑर्डर। सेवन बाई सिक्स बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है भाई, सिग्मा बॉन्ड तो यही रहेंगे क्योंकि अपन को पता है सिग्मा बॉन्ड के पोजीशन चेंज नहीं होते। किसका पोजीशन चेंज होगा, पाई बॉन्ड। अपन को एक पाई बॉन्ड को 6 जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है, 6 सिग्मा बॉन्ड्स के साथ पार्शियल बॉन्ड में बनाना है। तो हर एक बॉन्ड में कितना आएगा उसका पार्ट, एक पाई बॉन्ड है और 6 बॉन्ड में डिस्ट्रीब्यूट करना है 1/6 पर। तो अपन बता दिया कि एक तो रह गई और 1/6 ऐड कर लिया, 1 तो सिग्मा बॉन्ड है। अब दूसरा फॉर्मूला नहीं बोल रहा मैं, दूसरी बात बोलूंगा ही नहीं मैं, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। बस अपन को पता है बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करो और नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डिलोकलाइजेशन। फिर अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, मान लिया आपने ऐसे कहा, अब मतलब अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है तो फिर क्या करेंगे अपन, वो भी देख लेंगे भाई। ठीक है, अगर अपने पास मान लो डिलोकलाइजेशन के लिए ऐसे बताया अपन को, किसी ने अपन से कहा कि भाई डिलोकलाइजेशन में अब बताओ आप डिलोकलाइजेशन कैसे करोगे, जैसे मान लिया अपने कि PO4 3 नेगेटिव, तो अगेन द ऑक्साइड आयन है ना, तो ऑक्साइड आयन में अपन क्या करेंगे, P हो गया 3 4 5 और 6, 5 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 और ये 4 ऑक्सीजन, ये तो बनाना अपन को आना चाहिए और वो आता है। ठीक है ना, ये अपन को आता है, ये अपन को पता है। ठीक है, तो अपन को ये पता है तो अपन क्या करेंगे इसमें, अब अगेन कितने बॉन्ड्स हो गए बॉन्ड ऑर्डर के लिए, 5 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय, पर ये भी इसके साथ डिलोकलाइज हो सकता है, ये भी इसके साथ डिलोकलाइज हो सकता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड है, राइट ना। इसको भगा दो, अपन क्या करेंगे इसमें, अपन कहेंगे कि भाई 5 तो बॉन्ड्स हो गए, अब नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डिलोकलाइजेशन, तो अपन कहेंगे ये नेगेटिव चार्ज इधर जा सकता है, तो फिर जब इधर नेगेटिव चार्ज बनाओगे ना तो इधर डबल बॉन्ड बनाओगे, तभी तो नेगेटिव चार्ज बनाओगे वहां पर, ऑब्वियस सी बात है, फिर यहां सिंगल बॉन्ड होगा यहां डबल बॉन्ड होगा, तो फिर इस सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन कर देते हैं। तो फिर जितने जगह डिलोकलाइज ऐसे बने ना सिस्टम कि नेगेटिव चार्ज दो एटम जो डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं उनसे जो एटम अटैच है अगर वहां नेगेटिव चार्ज है तो डिलोकलाइजेशन कर देना, तो 4 जगह डिलोकलाइजेशन, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। अब अपन ने कहा था कि भाई अगर मान लो मेरे पास ऐसे की बना तो फिर क्या करेंगे, जैसे SHO ये HSO3 नेगेटिव है तो इसका बॉन्ड तो ऐसे, तो आपने कहा था ये इसका स्ट्रक्चर, तो अपन कहेंगे देखो भाई यहां डिलोकलाइजेशन तो पॉसिबल है लेकिन यहां से कोई डिलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने कहा था वो दो एटम जो डबल बॉन्ड को होल्ड करे ना उनसे जो एटम अटैच हो उसके पास लोन पेयर उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा तो डिलोकलाइजेशन होगा, तो इसके पास तो है नेगेटिव चार्ज, इसके पास नहीं है, तो अपन कहेंगे ठीक है इस वाले बॉन्ड को भूल जाओ। फिर क्या करें, तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करूंगा तो अपन ना इस वाले बॉन्ड को भूलना पड़ेगा अपन को क्योंकि वहां डिलोकलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो जहां डिलोकलाइजेशन होगा पॉसिबल वहीं तो पार्शियल बॉन्ड ऑर्डर बनेंगे, तो पार्शियल बॉन्ड में अपन क्या करेंगे 1 2 3 ये 3 और डिवाइड बाय 2 ये इसका बॉन्ड, तो अपन कह देंगे भाई ठीक है ये अपन इस टाइप से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद अपन से पूछा है, नहीं पेपर अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सल्फेटाइन का बता देता हूं, कोई बात नहीं ये फॉस्फेटाइन है तो सल्फेटाइन होगी, SO4 2 नेगेटिव आयन, अपन से पूछा सल्फेटाइन, ठीक है भाई सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए,
कितने नेगेटिव चार्ज हैं? दो नेगेटिव चार्ज है, तो फिर बना देते हैं भाई, एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, इधर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। देखो मैंने आपसे क्या कहा, दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड होने चाहिए और उनसे जो एटम अटैच है उस पर नेगेटिव चार्ज, तो डिलोकलाइजेशन होगा। वो सिस्टम इधर भी बन रहा है, वो सिस्टम इधर भी बन रहा है, वो सिस्टम इधर भी बन सकता है और वो सिस्टम इधर भी बन सकता है, मतलब सभी जगह डिलोकलाइजेशन है। तो ये जो नेगेटिव चार्जेस है ना, ये सभी ऑक्सीजन पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं डिलोकलाइजेशन की वजह से। तो अपन क्या करेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। चलो भाई कितने बॉन्ड्स हो गए, 6 बॉन्ड्स हो गए, और डिवाइड कितनी जगह डिलोकलाइजेशन है, 4 जगह। लो भाई नेगेटिव चार्ज 4 जगह डिलोकलाइजेशन, दैट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सल्फेट। अब अगर किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है, ये अपन ने बॉन्ड ऑर्डर लिखे हुआ है, राइट। अब अपन चेक कर लेते हैं, बिल्कुल उसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 हैं, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 हैं, क्योंकि जितने जगह डिलोकलाइजेशन उतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, राइट। तो अपन चेक कर लेंगे ऐसे। और उसके अलावा अपन से पूछा है C3-4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर। अब C3-4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर अभी क्यों चाहिए भाई, अभी अपन रहने देते हैं उसको, C3-4 नेगेटिव का है ना, ऐसे फिर मतलब क्या होगा ना कि अभी पता नहीं क्यों चाहिए इसको कि ऐसे स्ट्रक्चर दे दो। ये लो भाई स्ट्रक्चर बना, इस पे 2 नेगेटिव, इस पे 2 नेगेटिव, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, आप चेक कर सकते हो। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर ले, वो 2 नेगेटिव चार्ज की वजह से एक्स्ट्रा ऐड किया। तो अब ऐसे अपन नहीं करेंगे कि मतलब बीच में इसका स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आप अगर आपको चाहिए आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने स्ट्रक्चर पूछा, मैंने स्ट्रक्चर बता दिया। फिर अपन को और क्या पूछा, और कुछ भी नहीं है, हो गया सारा। तो अपन आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो एग्जाम ही आ गया था, अरे यार अभी बड़ा तो ये तो बेकार है, अगर ऐसा पूछ लिया तो ऐसे तो नहीं पूछना चाहिए। अभी तो बड़ा अच्छा कंपाउंड है, और ये तो प्रोपाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, प्रोपाइन है ना, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अपन ने तो अभी तक तो पढ़े भी नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू नहीं किया तो कैसे पूछ सकते हैं अपन से। ठीक है, तो सल्फर के 6 स्ट्रक्चर, नो सल्फेट के कभी 6 स्ट्रक्चर नहीं बन सकते। कैसे बन सकते हैं, 4 ही तो ऑक्सीजन अटैच्ड है, जितने ऑक्सीजन अटैच है उससे ज्यादा थोड़ी बन सकते हैं कभी स्ट्रक्चर, कभी नहीं बन सकते। ठीक है भाई, अब अपन से एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड बता दीजिए। सर वैसे सॉल्युबिलिटी वगैरह मैं बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अपना केमिकल बॉन्डिंग 1, 2, 3, 4 ऐसे ना 5 केमिकल बॉन्डिंग तक गिवन है अपन को, तो केमिकल बॉन्डिंग 5 में अपन को एक्चुअली गिवन है वो स्ट्रक्चर, वो मतलब केमिकल बॉन्डिंग 5 में सॉल्युबिलिटी वगैरह वो गिवन है, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको बता रखा है तो मैं बता देता हूँ। आयनिक कंपाउंड के सॉल्युबिलिटी के लिए हमको डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन चेक करना होता है। डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन में हमें चेक करना होता है डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब उनको आयंस में कन्वर्ट करने की एनर्जी, और प्लस फिर डेल्टा एच ऑफ अपन को चेक करना होता है हाइड्रेशन, है ना। तो इन दोनों को चेक करने के बाद अगर डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन लेस देन 0 है, देन कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर, कंपाउंड इज सॉल्युबल। और अगर डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर देन 0 है, देन कंपाउंड इज इनसॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर। तो अगर उसको कंपाउंड में डिसॉल्व करना है तो अपन को उसको हीट करना पड़ेगा, तो उस टाइप से अपन सॉल्युबिलिटी बता सकते हैं। दैट इज हाउ वी कैन राइट द सॉल्युबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन। तो आप डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन दे दो, हम बता देंगे कौन सॉल्युबल होगा कौन सॉल्युबल नहीं होगा। और अगर कंपाउंड को देख के बताना है तो इसमें फिर इंफॉर्मेशन बेस्ड हो गया, आप ऐसे नहीं बता सकते कि कौन सा सॉल्युबल है कौन सा सॉल्युबल नहीं, राइट। फिर उसके लिए तो आपको बहुत सारा केमिस्ट्री आना चाहिए, अगर लिखेंगे आप सॉल्युबिलिटी के, अगर आप मतलब किसी दिन अपन में जैसे केमिकल बॉन्डिंग 5 में मैं आपको सॉल्युबिलिटी लिखवा दूंगा कि आप सॉल्युबिलिटी लिख लो कंपाउंड्स का, तो मैं आपको लिखवा दूंगा कि ऑल नाइट्राइड्स आर 100% वाटर सॉल्युबल, ऑल नाइट्राइड्स आर 100% वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट HgNO2, इस टाइप से मैं आपको पॉइंट्स लिखवा दूंगा। केमिकल बॉन्डिंग मोस्टली जो है ना वो इंफॉर्मेशन बेस्ड चैप्टर है, आपको याद करना होगा बहुत सारी चीजें, लेकिन वो याद करके आप बहुत सारा पार्ट कर सकते हो।
लॉजिक्स मैं मैक्सिमम आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको याद भी करना पड़ेगा उसमें काफी सारा, ठीक है। तो आपको याद करके रखना पड़ेगा तभी आप उसको यूज कर पाओगे। वैसे मैंने सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट थोड़ा सा बताया हुआ है जब अपन ने आयनिक बॉन्ड पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो चलो अभी अपन पढ़ेंगे, अभी अपन पढ़ने वाले हैं दैट इज रेजोनेंस के बारे में। अगर किसी को और कोई प्रॉब्लम होगा तो वो बताएगा। हाउ बॉन्डर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द बॉन्ड लेंथ, बिल्कुल। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है तो जैसे बॉन्ड ऑर्डर 1 है ना, तो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। 3 से ज्यादा होता नहीं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड तो छोटा होता है डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड छोटा होता है सिंगल बॉन्ड से, तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी रिलेटेड टू द बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, ये कम है तो बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ। अब ऐसे बता सकते, ठीक है, ठीक है, राइट, बिल्कुल बिल्कुल अपन देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, अपन देख सकते हैं। तो अगर सर क्या लिखा हुआ, सर अगर डेसिमल में आया तो बॉन्ड ऑर्डर, आप डेसिमल में अभी कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट मत करो। वैसे डेसिमल का मतलब पता क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 1.33 है तो इसका मतलब है ये हो गया, ना तो वो प्योर डबल बॉन्ड है ना ही प्योर सिंगल बॉन्ड है, दैट इज व्हाट वी मीन बाय द राइट पार्शियल। तो अगर फ्रैक्शन आया तो विल राइट लाइक दिस, जिसे अपन ने बेंजीन में भी कैलकुलेट किया 1.5 से लाइक दैट। समझ में, ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब लास्ट टाइम अपन ने हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पढ़ा अपन ने, और बहुत सारा पार्ट अपन ने डिस्कस किया। अब हाइब्रिडाइजेशन में अभी अपन को थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है, उसके बाद अपन चेक कर सकते हैं। देखो अब कुछ कुछ पार्ट ऐसे हैं जैसे अपन को ना बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, जैसे तुम लोग क्वेश्चन पूछ भी रहे हो और मैं देख भी रहा हूँ कि तुम लोग, मतलब क्योंकि मैं आपके जो भी क्वेश्चन पूछते हैं मैं उसका आंसर देता हूँ। जैसे मैंने कहा आपसे कि इन्फॉर्मेशन बेस्ड काफी ज्यादा है तो अपन को वो देखना पड़ेगा। अभी अपन क्या बोलते हैं, जैसे अपन ने लिखा एसपी हाइब्रिडाइजेशन, तो एक एस और दो पी को मिक्स किया ना आपने तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो बॉन्डिंग लॉ 180 डिग्री बताते हैं, ठीक है। अगर मैं लिखूंगा s प्लस 2p ऑर्बिटल लिखे अपने, तो अपने का sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो बॉन्डिंग के लॉ 120। अब इसमें भी ना आप ऐसे बताते हो a एटम और b एटम के बीच लीनियर बताओगे ना, ऐसे बॉन्ड बनाते हो तो ये 180 डिग्री। आप लिखोगे sp2 तो आप लिखोगे 120 डिग्री, एक ही टाइप का बॉन्डिंग है ना, तो आप लिखोगे a और इसमें तीन टाइप के ये b आ गए, ऐसे आ जाएगा तो ये 120 डिग्री हो गया। अपन ऐसे बनाते हैं भाई स्पीड हाइब्रिडाइजेशन, किसी को डाउट नहीं। अपन कहते हैं एक एस और अगर तीन पी मिक्स करेंगे तो मैं sp3 बोलूंगा और ये 109.28 मिनट्स होगा, ठीक है भाई। तो अपन 109.28 मिनट्स यहाँ पर बना देता हूँ मैं, तो ये a होगा और ये 4 किधर बना देते हैं, बी अपन किधर बना देते हैं। इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, अपन को काफी सारा पार्ट याद रखना होता है, लेकिन ये पार्ट याद रखना बड़ा इजी भी हो जाता है फिर अपन को क्वेश्चंस को सॉल्व करना। फिर मैं लिखूंगा एस, एक एस और तीन पी हो गए और एक डी हो गया, तो मेरे पास एस पी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, तो अपन कहेंगे इसका बॉन्ड एंगल तो भाई दो टाइप से होता है, 120 डिग्री एंड 90 डिग्री होता है ना, तो अपन कहेंगे अच्छा अच्छा इसका बॉन्ड एंगल अगर ए है तो एक आप ऐसे बनाते हो एक्सियल बॉन्ड और एक बनता है इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये बनते हैं इक्वेटोरियल। मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं है इनमें इक्वेटोरियल बॉन्ड में। और अपन क्या बोलते हैं कि ये बी एटम्स हो गए ऐसे और ये तीन बॉन्ड्स जो हैं वो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, ये वाले होते हैं ना। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई ये वाला बॉन्ड जो है ना, ये वाला बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, लेकिन ये वाला बॉन्ड एंगल जो है दैट इज 120 डिग्री, ये अपन को पता है। अब अपन क्या बोलते हैं, अब सारे पॉइंट्स, अपन ने पॉइंट्स तो सारे बोले होंगे मैंने और सारे एक्सप्लेनेशन भी दिए,
बट मैं फिर भी एक बार रिवाइज करके आपको कंफर्म करना चाहता हूँ कि हाँ आपको पता है सारी चीजें। मैं क्या कहूंगा, ये 90 डिग्री है, ये 120 डिग्री है। तो अपन क्या करेंगे, अच्छा इसमें तो आपने एक बार बोला था कि बॉन्ड लेंथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल होता है, ऐसा बोला था आपने। तो जहां बॉन्ड एंगल छोटे होते हैं वहां बॉन्ड लेंथ बड़े होते हैं, और जहां बॉन्ड एंगल बड़े होते हैं वहां बॉन्ड लेंथ छोटे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में यहां बॉन्ड एंगल बड़ा है, इसका मतलब है ये इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटे होता है ना, इक्वेटोरियल बॉन्ड इज स्मॉलर देन है ना एक्सियल बॉन्ड्स। तो ठीक है भाई, बंदे मान लिया कि भाई यहां पर क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल बॉन्ड जो होंगे ये तीन बॉन्ड छोटे होते हैं इन दोनों बॉन्ड से। व्हाट इज सो, बिकॉज आपने ये सेंटेंस बिल्कुल दिया हुआ है मुझे कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल में क्या डिफरेंस होता है, जहां बॉन्ड लेंथ बड़े होते हैं वहां बॉन्ड एंगल छोटे होते हैं, और जहां बॉन्ड लेंथ छोटे होते हैं वहां बॉन्ड एंगल बड़े होते हैं, और ये बिल्कुल आपने वही सेट करके रखा हुआ है। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे अच्छा एक बात बताओ, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब तो ये होता है कि आप सारे ऑर्बिटल को मिक्स कर दो और जो नए ऑर्बिटल बने वो इक्वल शेप साइज एनर्जी सब कुछ इक्वल होगा। तो भैया यहां तो थे दोनों sp hybridized बॉन्ड है, यहां भी थे तीनों बॉन्ड sp2, क्योंकि b के आने के पहले ही हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में बताया आपने। यहां भी बिल्कुल एग्जैक्टली है क्योंकि बॉन्ड एंगल सेम है तो चारों ऑर्बिटल एक जैसे होंगे। यहां कैसे बोल सकते हो आपकी हाइब्रिडाइजेशन में सारे बॉन्ड सारे ऑर्बिटल एक जैसे इक्वल शेप और साइज है, पर इक्वल साइज कैसे हुआ? यहां तो आप कह रहे हो बॉन्ड लेंथ बड़े हैं और यहां बोल रहे हो आपकी बॉन्ड लेंथ छोटे हैं। इसका मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन में ये वाले ऑर्बिटल छोटे बने थे और ये वाले ऑर्बिटल बड़े बने थे। भाई इसका मतलब तो यही हुआ ना, अगर दो टाइप के बॉन्डिंग ला रहे कि इसका मतलब है इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूरा नहीं होता। भाई मैं तो यही मानूंगा, आपने तो कहा था हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है इक्वल होना चाहिए एनर्जी शेप साइज सब कुछ, तो इसमें तो बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों बनाए? ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि इसी स्ट्रक्चर में sp3d के फॉर्म में मिनिमम एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की, और हमें तो वही स्ट्रक्चर चूज करना है जिसमें उसकी मिनिमम एनर्जी हो, तब तक उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो अपन ने कहा ठीक है, मान लिया sp3d में ऐसा होता है क्योंकि जब भी दो टाइप के बॉन्ड एंगल आएंगे तो मुझे यह पता चल जाएगा कि वहां बॉन्ड लेंथ एक जैसे नहीं है। जब बॉन्ड एंगल इक्वल है तो मुझे पता रहेगा सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल है क्योंकि बॉन्ड एंगल इक्वल है, ये बिल्कुल फैक्ट है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि ये तीनों बॉन्ड बॉन्ड लेंथ अलग है तो इन तीनों बॉन्ड का नेचर अलग है इन दोनों बॉन्ड से, ऐसे बोल सकता हूं क्या? मैं कहूं बिल्कुल बोल सकता हूं। तो उसको कैसे बोलूं? तो अपन कहेंगे देखो आप इसको ऐसे बोलो, ट्राइंगुलर प्लेनर बन रहा है, उसका बॉन्ड लेंथ अलग है, उन तीनों के ऑर्बिटल एक जैसे हैं लेकिन बाकी दोनों ऑर्बिटल अलग नेचर के हैं। अच्छा तो उसको बोलूं कैसे? तो मैं उसको ऐसे बोल सकता हूं, इस हाइब्रिडाइजेशन को मैं ऐसे भी बता सकता हूं, ये ट्रायंगुलर प्लेनर है जो आपने तीन बनाए 120 डिग्री का sp2 वाला जैसे आप बताते हो 120 डिग्री, और बाकी जो दोनों बॉन्ड है ना उसको आप pd लिख सकते हो। इसका मतलब है कि मैं sp3d को क्या लिख सकता हूं, क्योंकि वो ट्रायंगुलर प्लेनर अलग अलग टाइप के बॉन्ड लेंथ है ना, अलग अलग टाइप का बॉन्ड एंगल होगा तो बॉन्ड लेंथ भी होगा, तो फिर मैं उसको ऐसे बता सकता हूं। तो फिर मैं बोल दूंगा कि भाई उसमें अपन को कैसे बताना है। अब अपन कहेंगे ठीक है, मान लिया मैंने कि भाई ऐसे हमको बता देना है कि दिस इज द बॉन्ड, ठीक है। अगर एक जैसा बॉन्ड एंगल आया तो अपन कहेंगे फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर एक जैसा बॉन्ड एंगल आया तो अपन कहेंगे फिर तो उसमें सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल है। जैसे अगर अपन कहेंगे मान लो मेरे पास ऐसे कहते हैं s3p है ना और 2d, तो इसमें क्या आएगा sp3d2, और इसमें तो सारे के सारे बॉन्ड एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री, अपन ने कल कैलकुलेट किया था 12 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होते हैं उसमें, और इसमें अगर 90 डिग्री बॉन्ड एंगल 12 होते हैं इसका मतलब है ऑक्टेटल में सारे बॉन्ड एंगल इक्वल, मतलब सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल। तो ऑक्टेटल में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आने वाला अपन को,
क्यों? क्योंकि ऑक्टाडल में अगर सारे बॉन्ड सारे 90 डिग्री बॉन्ड एंगल है, इसका मतलब है वहां एक्सियल और इक्वेटोरियल सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल है। वहां कोई अपन ऐसा नहीं करने वाले कि sp3 प्लस d2 या sp2 प्लस ds, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता वहां। वो कब होता है? जब बॉन्ड एंगल। तो इस हाइब्रिडाइजेशन को आप ऐसे बता सकते हैं। तो इसलिए अपन को इसमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा जब भी अपन इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि यहां पर अपन से इस टाइप का क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी को डाउट है? तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे दैट इज, इसमें अपन ऐसे बता सकते हैं। दूसरा अपन एक और पार्ट देख सकते हैं, जैसे मान लो अपने पास ऐसे केबल है, ठीक है, क्योंकि उसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन में काफी सारा अपन ने देखा, अपन को क्या करना है, मैं एक पार्ट ऐसे और बना सकते हैं, अपन एक और लिख सकते हैं इन अ मॉलिक्यूल, इन द मॉलिक्यूल्स। मान लो मेरे पास ऐसे केबल है, मेरे पास गिवन है pcl5 मॉलिक्यूल, तो ठीक है अपन कहेंगे pcl5 मॉलिक्यूल, तो अपन sp3d हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। तो लिख लिया भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो अपन इसको ऐसे बता सकते हैं, अपने पास p है, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, sp3d होगा तो ऐसे बनाएंगे, 3cl हो गए। इसमें क्या प्रॉब्लम है अपने लिए? कोई प्रॉब्लम नहीं, 3cl ऐसे रखूंगा और 2cl को इधर रखूंगा, दैट इज द स्ट्रक्चर। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन कहेंगे ठीक है मेरे पास अगर ऐसे है तो फिर क्या करूं मैं? मैंने कहा pcl3 और f2 ले लेता हूं। अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन तो अपन कहेंगे हमें क्या करना पड़ता है, पर हम तो ऐसे बनाएंगे, पी है 1 2 3 4 5 6, 6 क्यों, 5 कितने एटम है, क्लोरीन को एक एक चाहिए और फ्लोरीन को भी एक एक चाहिए, लो भाई 5 बॉन्ड है, तो लिख देता हूं sp3d, ये हाइब्रिडाइजेशन। तो अपन कहेंगे अगर ये हाइब्रिडाइजेशन है तो आप लिख लो ऐसे, ये हाइब्रिडाइजेशन। आप अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे पहले आप ये बताओ कि कौन से एटम से आप, क्योंकि यहां पर अपन रैंडम ऑर्डर में किसी को भी कहीं प्लेस नहीं कर सकते, रैंडम ऑर्डर में प्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि अपन तो ऐसे प्लेस करेंगे कि मॉलिक्यूल की एनर्जी अपने पास मिनिमम आनी चाहिए, मॉलिक्यूल की एनर्जी अपने पास मिनिमम आनी चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई इसमें सीएल बड़े एटम्स हैं और एफ छोटे एटम्स हैं, तो बड़े एटम को तो वहां रख दो जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा हो, क्यों, बड़े एटम का मतलब मोटा आदमी, उसको वहां बैठा दो भैया जहां जगह ज्यादा हो, तो छोटे एटम तो कहीं भी प्लेस कर देंगे, तो बड़े एटम को हमेशा ज्यादा बॉन्ड एंगल पर रखो, बड़े एटम्स को हमेशा ज्यादा बॉन्ड एंगल पर रखो, क्योंकि ज्यादा बॉन्ड एंगल पर रखने का मतलब हम बड़े एटम को दूर दूर प्लेस कर रहे हैं। जैसे अपन ने कहा था लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता है, वो क्यों, क्योंकि लोन पेयर ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। तो अपन ने कहा था कि भाई यहां पर आप सीएल को प्लेस कर लो, बड़े एटम्स हो गए, और यहां पर आप इनको प्लेस कर लो। अब इसमें अपन कोई रूल्स बोलते हैं कि नो दैट इज अ ट्रायगोस रूल, हमें कोई रूल रूल नहीं आता, हमें तो सीधी सीधी बात आती है, बड़े एटम को वहां रखना है जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा हो, छोटे एटम वहां होंगे जहां बॉन्ड एंगल कम होगा। बॉन्ड एंगल कम होने का मतलब है कि वहां पर छोटे एटम आराम से रह सकते हैं, क्योंकि स्पेस कम चाहिए उनको। समझ में आया? ठीक है, तो एक तो ये डिफरेंट टाइप के जो मिक्स करते हैं ना स्ट्रक्चर्स में, मतलब मिक्स जो करेंगे एटम्स को मिक्स करेंगे, जैसे सीएल की जगह बीआर डाल दिया, बीआर की जगह 2F और 2Cl डाल दिया, इस टाइप से अगर करेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप इसको ऐसे लिख लो, हमें क्या फर्क पड़ेगा, pCl2F3, ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 2Cl इधर, एक F इधर, एक F इधर, एक F इधर, पहले Cl को प्लेस करो ज्यादा बॉन्ड एंगल पे, क्यों, उसका साइज बढ़ रहा है, उस टाइप से करेंगे। अपने ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा बॉन्ड एंगल पर बड़े एटम्स को रखेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एक बात। दूसरी बात तो अपन लिख सकते हैं इन द मॉलिक्यूल्स, जैसे अपन लिखेंगे, अब मैं इसको अगर कोई
और ये सारा पार्ट अपन को तभी चेक करना जब क्या गिवन हो अपन को sp3d2 और बाकी sp3 में इसका कोई रोल नहीं है, बिकॉज वहां तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जैसे होते हैं, किसी को भी कहीं भी प्लेस करो हमें क्या फर्क पड़ने वाला, किसी को भी कहीं भी प्लेस करो हमें क्या फर्क पड़ने वाला, राइट। तो मैं इसको हटा देता हूं और फिर अपन नेक्स्ट चेक करते हैं। अब एक बात है, जैसे अपन मान लेते हैं मेरे पास ऐसे कितने अपन तो गिवन है भाई, मैंने लिखा H2, H2 मॉलिक्यूल लिखा, इसका बॉन्ड एंगल आपने लिखा था 105, ये था ठीक है, अपने लिखा H2 मॉलिक्यूल और अपने लिखा 105 डिग्री, फिर आप लिखते हो H2S, फिर आप लिखते हो मतलब H2SE, फिर आप लिखते हो अगर क्या H2TE और H2BE, ऐसे लिखते हो। आपने लिखा इसका बॉन्ड एंगल 92.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 92 भी लिख सकते हो, तो उसके आसपास ही होता है, 92 हो गया और ये 91.5 हो गया, ये तो 91 हो गया, ऐसे बॉन्ड एंगल। राइट अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे भाई देखो जैसे अपन ने बॉन्डिंग लिखा ना, अब H2 हो जाएगा, तो अपन ने क्या लिखा था, अपन ने लिखा था ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2s2p4, अब बॉन्डिंग वैलेंस शेल से ही होना, मैंने वैलेंस शेल से ही लिखा, आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या पढ़ते हैं, मैंने इसको 2s लिखा, वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो अपन ने हाइब्रिडाइजेशन के लिए पढ़ा उससे बता रहा हूं मैं, आपको पढ़ना जरूरी है, ये मैंने लिख दिया ऐसे ऑक्सीडेशन। अब अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्ट्रक्चर चेक करते हैं, 2 है भाई इसमें, वाटर -2 मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो तो है उसमें, मतलब इसमें कोई पेयरिंग वेयरिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बनाने, क्यों, क्योंकि -2 है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मेरे पास 2 ऑलरेडी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ठीक है ये दोनों अंदर वाले, क्योंकि अंदर वालों को तो अपन को इन्वॉल्व करना ही होता है हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसका मतलब यहां एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना देता हूं, यहां एक हाइड्रोजन का बॉन्ड बना देता हूं और हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, ये हाइब्रिडाइजेशन, हाँ तो बनाएंगे अपन, कोई प्रॉब्लम, तो इसका मतलब है मुझे ऑक्सीजन के साथ ऐसे बना देना चाहिए, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, इधर एक हाइड्रोजन हो गया और एक हाइड्रोजन हो गया, और इधर आपने लिखा बॉन्डिंग 105 लिखा, हो गया ठीक है, वो तो पहले से ही पता था मुझे, आप लिख के देख लो, ऑक्सीजन होता है आप कहते हो इसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, आप कहते हो 2 हाइड्रोजन है, 2 लोन पेयर है, लो भाई 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, sp3 हो गया, ये सब बताने की आपको जरूरत ही नहीं, तो पर उसको बता सकते हैं, राइट। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, आपने यहां पर पी ऑर्बिटल्स, ये तीनों पी ऑर्बिटल, ये px था, ये py था और ये pz था, मतलब मैंने क्या किया, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल को मिक्स किया, एक p ऑर्बिटल ऐसे था, एक p ऑर्बिटल ऐसे था, एक p ऑर्बिटल ऐसे था, और इनको मिक्स करके मैंने ऐसे बनाया, 1 2 3 4, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3, ये हाइब्रिडाइजेशन बनाए थे मैंने। अब अदर आइटम आएंगे, हाइड्रोजन आइटम 2 किसी भी ऑर्बिटल में, तो ये तो पहले से 2 इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे भाई, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, एक इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तो एक ऐसे धर दे दो हाइड्रोजन का और एक ऐसे धर दे दो, लेकिन अदर आइटम के आने के पहले ही बॉन्डिंग हो जाती है। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई ये तो ऐसा ऑर्बिटल है, इसका कोई एंगल तो होता नहीं, ये एंगल पे थे अपने एक्स वाई जेड 90 डिग्री, हाँ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल हुआ। अब ये तो आपस में अपने 90 डिग्री बॉन्ड एंगल पे थे, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, अपन को पता है ऐसे 90 डिग्री पे थे, और ये मिक्स करने के बाद ये कितना बॉन्ड एंगल पे आ गए, 105। अच्छा
सारे के सारे मिक्स होने के बाद बॉन्ड एंगल काफी चेंज हो गए, मतलब अच्छा हाइब्रिडाइजेशन हुआ। वहां तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज्यादा हुआ, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल नए ऑर्बिटल बन गए 90 से 105 मिक्सिंग के बाद, अच्छा ऑर्बिटल बना। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा ठीक है भाई चलो मैंने इसकी जगह H2S लिख दिया, तो अपन कहेंगे ठीक है ये 2 की जगह 3 हो जाएगा और क्या सल्फर के लिए 3S2P। अपन कहेंगे 3 का एक S ऑर्बिटल और P के 3 ऑर्बिटल होंगे PX, PY, PZ और इनको मिक्स कर देंगे तो मेरे पास नए ऑर्बिटल बन गए sp3। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया और चार हो गया, ये बन गए sp3 टाइप। इसमें ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3। और बॉन्ड एंगल कितना 92.5। ये तो बेकार, 90 के पहले अभी कितना चेंज हुआ 92। ये तो हाइब्रिडाइजेशन हो ही नेग्लिजिबल, क्या करेंगे नेग्लेक्ट कर। तो क्या बताओ मना कर देंगे भाई, पहले ही 90 डिग्री पे थे। अब ये मिक्सिंग थोड़ी हुई कोई, वो तो पहले ही ऑर्बिटल 90 डिग्री पे थे, अभी भी 90 डिग्री तो बना रहे हैं आपस में, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन कहां हुआ? दो में तो लोन पेयर है, उनके बीच में बनेगा नहीं, दो में ही बॉन्ड बनाओगे आप, उनके बीच में बॉन्ड बन रहा है कितना 90 है, तो पहले ही 90 था, अभी 92 ही तो बना, तो अपन क्या करेंगे? अगर बॉन्ड एंगल में चेंज नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं, बॉन्ड एंगल में कम से कम 5 डिग्री का चेंज तो आना ही चाहिए, नहीं तो मना कर देंगे, इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं, तो फिर क्या करें? इन सब में मना कर दो हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल कर दो, दिस इज कॉल्ड ड्रैगोस रूल। हमें ड्रैगोस वेगस रूल से हमें कोई मतलब नहीं, हमें यह पता है कि अगर ऑर्बिटल पहले से 90 पे थे और बाद में भी 90 में ही रहे, 92 पे हुआ, तो ये मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल कहां हुआ? देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल से बॉन्ड एंगल तो चेंज करो, वो तो उनकी जो पोजीशन थी उनमें थोड़ा सा पोजीशन था, आपने ऐसे हिला दिया बस थोड़ा सा, वो कोई हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी हुआ। तो अपन क्या कर देंगे, जब तक 90 से वो 95 से ज्यादा नहीं होने वाला ना बॉन्ड एंगल, अपन उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं बता। सर बोलो। सर बोर्ड में बहुत ब्राइटनेस आया है। बोर्ड में बहुत ब्राइटनेस आ रहा है? अरे यार बोर्ड का ब्राइटनेस नहीं होगा, ये बोल कि सर आप चमक ज्यादा रहे हो। चल ठीक है कोई बात नहीं, तो अपन ना क्या करेंगे, ठीक है मैं उसको, एक मिनट है मैं करता हूं थोड़ा सा। अभी कुछ चेंज हुआ? हाँ सर। ठीक है ओके, सो वी राइट दैट कि भाई इस केस में अपन क्या करेंगे कि इस केस में अपन अगर इसमें 90 से सिर्फ 92 हो रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, इसका मतलब है राइट कि अगर बॉन्ड एंगल में चेंज नहीं आ रहा है तो उस केस में अपन हाइब्रिडाइजेशन मना कर देंगे, कि वहां पर हाइब्रिडाइजेशन की अपन बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं भाई अपने पास गिवन है, दैट इज नहीं मार्कर की इंक तो नहीं दी, मार्कर में इंक काफी है, एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ड्रैगोस रूल में उसकी जरूरत नहीं होगी, उसमें काफी बड़ी डेफिनेशन है वो। सर हाउ वी नो दैट देयर इज अ हाइब्रिडाइजेशन इफ वी डोंट नो द बॉन्ड एंगल्स? ऑब्वियसली बात है आपको बॉन्ड एंगल्स पता होने चाहिए, तो ऐसे नहीं पूछते वो किसी भी मॉलिक्यूल में पूछ लेंगे बताओ इसमें मतलब है कि नहीं है, नहीं वो नॉन मॉलिक्यूल ही पूछते हैं जो आपको पता होंगे एनसीईआरटी में गिवन होंगे, ऐसे नहीं होंगे। ऑब्वियसली बात है आपको हाइड्राइड सभी ग्रुप के पढ़ने होंगे, आपको 15 ग्रुप के हाइड्राइड भी पढ़ने हैं, आपको 16 ग्रुप भी पढ़ने हैं, आपको 17 ग्रुप भी पढ़ने हैं, सबके हाइड्राइड पढ़ने हैं, तो वो आपको पहले से पता है। और बॉन्ड एंगल मैंने आपको लिखवाए हैं अगर आप देखोगे तो, जो पॉइंट्स लिखे, लेकिन मैंने आपको वहां ये नहीं बताया कि
ऐसे बॉन्ड एंगल चेंज ना हो तो फिर आप मना कर देना, उसका रीजन है बिकॉज पहले आप एक बार हाइब्रिडाइजेशन में तो अपने आप को सोच लो, हाँ मैं हाइब्रिडाइजेशन तो देख के ही कैलकुलेट कर सकता हूँ मॉलिक्यूल को, फिर उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल तो अपन ऐसे, हाँ एक जनरलाइज्ड फॉर्म बना सकते हैं कि ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स ना अगर अदर एटम सेम है ना, और थर्ड पीरियड और टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हो ना, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे ना पीरियड जैसे जैसे वो ग्रुप जैसे जैसे इंक्रीज होगा ना, एक ही ग्रुप में पीरियड जैसे जैसे इंक्रीज होगा वहां बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता। बॉन्ड एंगल मैक्सिमम चेंज कब आता है? सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में। थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स बॉन्ड एंगल में नेग्लिजिबल चेंज आता है, तो किसी भी ग्रुप में थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, वो आप जनरलाइज कर दो तो मन को पता रहेगा पीरियडिक टेबल। If the other atom is same, then the third period onwards there will be no negligible change in hybridization. That is bond angle. So there will be no hybridization. Maximum bond angle kab change hoga? Second period se third period mein. So third period onwards there is no hybridization because the bond angle in the p orbitals will remain almost same. Right? ठीक है। तो अब इसमें आप ग्रुप्स में याद रखो, जैसे आप अमोनिया लिखोगे ना तो अमोनिया में अपन ने क्या लिखा, अमोनिया इज 107, लेकिन पीएच 3 में हमने क्या लिखा, इट इज 93, मतलब पीएच 3 में वहां से फिर नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन, सो पीएच 3 में देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स ऑनवर्ड्स इन अ ग्रुप ना देयर विल बी हाइब्रिडाइजेशन ओनली इन द सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब अपन कुछ नया पढ़ते हैं, देखते हैं। अब ये पार्ट तो मतलब अपन को पहले से आना चाहिए था, एक पार्ट और पूछा था किसी ने, वो भी मैं बता देता हूं। ऐसे एक पार्ट और था वो किसी ने पूछा था तो मैं वो देख लेता हूं। अब मुझसे पूछा था किसी ने कि सर आप मुझे ना हाउ टू कैलकुलेट द पी पाई और पी पाई डी पाई बॉन्ड वो बता दीजिए सर, है ना, किसी ने पूछा तो शायद, मुझे याद नहीं लेकिन पूछा था तो मैं, हाँ शिवानी ने ना, ठीक है, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन पी पाई डी पाई बॉन्ड, बिल्कुल अपन एक्सप्लेन करेंगे। देख अपन ना अगर मुझे ऐसे पूछा ना, जैसे ऐसे लिख दिया आपने, आपने कहा सर बताओ, और देखो पी पाई डी पाई बॉन्ड बताने के लिए, पी पाई बॉन्ड बताने के लिए आपको ना मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम को डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, सेंट्रल एटम को अदर एटम के साथ डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड तो तभी बनेगा ना, तो पाई बॉन्ड तो तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसमें डबल बॉन्ड होगा। अब मैं ऐसे थोड़ी बता दूंगा, बताओ इसमें कितने पी पाई बॉन्ड है, पी पाई डी पाई बॉन्ड है, अपन कहेंगे पी पाई क्या है, इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो पाई बॉन्ड कहां से आया, राइट? तो अपन क्या करेंगे, अब देखो कैसे बताते हैं कि इसमें कितने पी पाई कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड होंगे वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो अपन चेक करेंगे हाउ टू कैलकुलेट दैट। तो मैं यहां पर लिखूंगा, इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकता हूं मैं। अब मैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताने वाला आपको, मैं लिखने वाला हूं लाइक दिस, एस प्लस पी प्लस पी प्लस पी प्लस डी प्लस डी प्लस डी। अब इतना हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं होगा फिर भी मैं लिख सकता हूं, लिखो अपन को क्या फर्क पड़ता है। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई इसमें हाइब्रिडाइजेशन मुझे पता है पहले, इसमें इसका स्ट्रक्चर भी मुझे पता है, इसमें तीन सिग्मा बॉन्ड तीन पाई बॉन्ड। अब अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे कहेंगे ये वाले ऑर्बिटल तो चले गए हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल एटम, राइट, ये वाले ऑर्बिटल तो चले गए हाइब्रिडाइजेशन। अब बाकी बचे हुए ऑर्बिटल जो है ना उनसे बनाएगा ये पाई बॉन्ड, भाई सल्फर के सेंट्रल एटम का एक एस और दो पी तो हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, बाकी बचे हुए ऑर्बिटल से क्या बना दो, डबल बॉन्ड बना दो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, भाई ऑक्सीजन में तो डी ऑर्बिटल होते ही नहीं, सिर्फ पी होता है, तो इसके तो पी ऑर्बिटल ही होंगे,
इसके तीन तो सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब पाई बॉन्ड की बारी, तो ऑक्सीजन एटम का, क्योंकि अब डबल बॉन्ड बनाने वाला हूं मैं, ऑक्सीजन एटम में तो सिर्फ पी होता है, एक ऑक्सीजन एटम का इसके पी पी ऑर्बिटल से पी पाई बॉन्ड बनेगा। इसके मेरे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब ये हाइब्रिडाइजेशन बता रहा हूं मैं आपको, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड वाला। तो एक पी पाई बनेगा, एक इसका डी पाई बनेगा, इसमें डी पाई होगा और पी पाई होगा, डी पाई बनेगा और इसमें भी डी पाई और पी पाई बनेगा। मतलब इसका एक पी ऑर्बिटल इसके पी पाई बनाएगा। अब इसके एक एस दो पी और एक पी चला गया किसमें, पी पाई बनाने में। अब एक एस और तीन पी खत्म हो गए, अब कौन से ऑर्बिटल से डी, कौन से ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बनाएगा, टी से बनाएगा। तो इसका डी पाई और इसका पी पाई, इसका डी पाई इसका पी पाई, मतलब इसका पी और इसका डी, इसका पी और इसका डी, ये ऑर्बिटल बनेंगे, डबल बॉन्ड बने ना पाई बॉन्ड। तो इसमें एक तो पी पाई बॉन्ड बना और एक पी पाई डी पाई बना, एक पी डी पाई बना, ये आपको पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो इसमें अपन ने बता दिया वन पी पाई बॉन्ड और टू पी पाई डी पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड बन गए। अच्छा ठीक है, तो अपन एक दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें डबल बॉन्ड बन रहा हो। ठीक है, तो आप इसमें बताओ फिर, अगर मान लो मेरे पास कोई दूसरा मॉलिक्यूल गिवन है, मेरे पास ऐसे गिवन है PO4 3 नेगेटिव, इसमें भी एक डबल बॉन्ड है, आप बताओ इसमें कौन सा डबल बॉन्ड है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई देख लेते हैं, ये फॉस्फेट है तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता होगा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, आप बना सकते हैं तीन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, एक के साथ डबल बॉन्ड। तो पी पाई मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन बड़े अच्छे से आना चाहिए, तो पहले हाइब्रिडाइजेशन ही सीख लो। अब आपने पूछा मैंने बता दिया, अब अपन क्या करेंगे, तो अपन कहेंगे पहले sp3 ना सेंट्रल एटम का, एक s 3p, अब इसके d ऑर्बिटल लिखो जितने d ऑर्बिटल हो सके। तो अपन कहेंगे देखो भाई p के ना ये तो चले गए किसमें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, फॉस्फेटाइन था ना आपने ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया था आपने फॉस्फेटाइन को, sp3 हो गया राइट ना। तो अपन क्या करेंगे, इसमें पर लिखेंगे पी पाई बॉन्ड्स। तो इसमें तो अब अपन कहेंगे इसमें तो पी है ही नहीं, मतलब ये डबल बॉन्ड जो बनेगा इसके डी ऑर्बिटल से डबल बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, डी ऑर्बिटल से डबल बॉन्ड। तो अगर अपन इसमें डी ऑर्बिटल से डबल बॉन्ड बनाएंगे तो इसका डी, अब ऑक्सीजन के पास पी के अलावा कुछ होता ही नहीं, तो इसका पी, तो इसमें एक ही पी पाई डी पाई बॉन्ड है और इसमें कुछ पी पाई डी पाई बॉन्ड है और कुछ। तो बता दिया अपन ने इसमें एक, क्योंकि इसमें डी से ही बनाना पड़ेगा ना आपको, तो ऑक्सीजन एटम का पी और इसका डी, तो एक पी पाई डी पाई बॉन्ड बनेगा, तो एक बना दिया अपन ने, एक पाई बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड बना दिया। ठीक है, अब अगर मान लो मेरे पास सल्फेटाइन है तो क्या करें, तो फिर कहेंगे सल्फेटाइन है, ठीक है भाई सल्फेटाइन है, तो आप सल्फेट का स्ट्रक्चर लिख लो, ये लो डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन नेगेटिव है और एक और ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये आ गया। इधर तो दो पाई बॉन्ड है, तो अपन कहेंगे एक एस तीन पी, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन एसपी थ्री होगा, तीन पी है ना, और डी ऑर्बिटल अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो अपन कहेंगे भाई एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन है सेंट्रल एटम, तो इसके ये ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइजेशन में चले गए, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन मतलब सिग्मा बॉन्ड, तो ये तीन ऑर्बिटल से तो चार सिग्मा बॉन्ड, ये चार ऑर्बिटल से चार सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब क्या, अब डबल बॉन्ड बना लो। डबल बॉन्ड कैसे बनाऊंगा, तो डबल बॉन्ड सेंट्रल एटम का डी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के पास पी के अलावा कुछ होता नहीं, तो ऑक्सीजन एटम का इधर पी ऑर्बिटल, ये दूसरे ऑक्सीजन का पी, तो इसका पाई बॉन्ड बनाएगा, ये पाई बॉन्ड बनाएगा, तो ये पी पाई डी पाई हो गया, ये भी पी पाई डी पाई हो गया। तो इसमें कितने हो गए, दो पी पाई डी पाई हो गए, इसमें कोई भी पी पाई बॉन्ड नहीं है,
मैंने आपको बताया कैसे पी पाई, तो इसमें अपन क्या करेंगे, टू पी पाई डी पाई बॉन्ड है, देयर इज नो पी पाई बॉन्ड, इसमें एक पी पाई बॉन्ड था क्योंकि वो sp2 हाइब्रिडाइज था, तो अपन ऐसे बता सकते हैं दैट इज पी पाई बी पाई बॉन्ड। ठीक है, अब जैसे अपने अब कोई तुमसे पूछ रहा है भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, हाँ तो ठीक है ना, अगर दो एटम के बीच में अपन को बॉन्ड बनाना है तो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होना चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा। अगर दोनों ही अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसको अपन कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर कोई एटम अपना एक ही एटम अपने दो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इससे, मान लो इसके पास अपने पास कितने हैं, इसके पास एक लोन पेयर एक्स्ट्रा है और इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड, और अगर एक बॉन्ड बनाने के लिए मुझे दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से शेयर कर दिया जाए तो अपन कहेंगे फिर उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल देंगे, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। तो अपन कहेंगे अच्छा कोई एग्जांपल दो, तो अपन कहेंगे भाई कोवेलेंट बॉन्ड ये लो सीएल एटम है इसके पास, और दूसरा अपन एफ एटम ले लेते हैं, ये लो भाई ये एफ के इलेक्ट्रॉन, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, शेयर कर दो, दोनों का कोवेलेंट बॉन्ड बन गया बिकॉज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर कोई एग्जांपल दे दो, तो अपन कहेंगे लो भाई यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, अपने पास ऐसे हाइड्रोजन था इसके पास एक लोन पेयर है और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तो अगर इसके पास एक दूसरा एटम ले लेते हैं अपन, ऐसे अपन को पता है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बोरोन के पास सिक्स इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, तो क्या करें, ये लोन पेयर के ऑर्बिटल को इसके एम्प्टी ऑर्बिटल से ओवरलैप कर दो, तो अपन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब इसके पास बॉन्ड बनाने के बाद भी लोन पेयर बचा हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है ना उसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है उसको अपन कहते हैं लुईस बेस, ये लुईस इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं उनको अपन कहते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये लुईस एसिड होता है, ये लुईस एसिड। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको ऐसे करेंगे, ये एक तरीके से ऐसे हो गया बेस और एसिड का रिएक्शन टाइप हो गया, ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन लेगा, चलो कर देते हैं। अपन ने कहा मेरे पास ऐसे बनेगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये लोन पेयर को अपन डोनेट करते हैं बोरॉन के पास, ये एफ ये एफ ये एफ। अब अपन क्या कहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये लुईस बेस है, ये लुईस एसिड है, तो अपन कहेंगे देखो भाई ये पहले ना sp3 था, ये पहले ना sp2 था, अभी क्या हुआ इसके राउंड भी चार एटम है और इसके राउंड भी चार एटम है, चार बॉन्ड्स बने हुए, दोनों ही sp3, क्यों, क्योंकि हमें तो मॉलिक्यूल का अगर स्ट्रक्चर गिवन है तो हमें तो बॉन्ड्स काउंट करने होते हैं, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, बट यहां तो 3 थे तो ये sp2 था, ये sp3 था, इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया क्योंकि उसको एक बॉन्ड मिल गया, बॉन्ड बन गया ना उसके पास, तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि आप ना एरो को दूसरे तरीके से लिख भी सकते हो, कैसे, नाइट्रोजन है अपने पास, ये इधर है, ये इधर है, बोरॉन था अपने पास, ये एफ था, ये एफ था, ये एफ था, इसका ना एक इलेक्ट्रॉन जो है लेके इसको दे ही दो आप इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे बन जाएगा,
तो अपन कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि जहां टेल होता है वहां से इलेक्ट्रॉन ले लो, जो हेड होता है उसको दे दो, दे दिया, तो अभी भी दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। तो अपन कहेंगे इससे इलेक्ट्रॉन लेके इसको दिया, तो इस पे क्या आना चाहिए और इस पे क्या आना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा हो गया भाई। अगर एक बेस और एक एसिड रिएक्ट करता तो सॉल्ट के जैसे कुछ बनता। मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सॉल्ट नहीं दिखा पा रहा था, अब दिखा दिया। एंड दैट कैटायन एनायन ड्यू टू विच इज फॉर्म ड्यू टू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसी को तो अपन कहते हैं फॉर्मल चार्जेस। इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन पे प्लस वन फॉर्मल चार्ज है और बोरॉन पे माइनस वन फॉर्मल चार्ज है। और ऐसा अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में लिखोगे, जब किसी लुईस बेस और लुईस एसिड का रिएक्शन होता है तो उस सॉल्ट को ना, जो ये सॉल्ट बनेगा क्योंकि एसिड और बेस रिएक्शन बने होगा तो सॉल्ट भी बनेगा, तो अपने लिए तो ये सॉल्ट है, लेकिन उसको ना कभी कभी अपन नया नाम भी देते हैं, वो अपन नया नाम देते हैं एडक्ट इस फॉर्म दे देंगे। अभी क्या फर्क पड़ेगा, तो अपन को ये पता है अगर दोनों दो अलग अलग एटम शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन को तो कोवेलेंट बॉन्ड बता देंगे, अगर एक ही एटम से दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है जो एक एटम जिससे इलेक्ट्रॉन दे रहे हो वो लुईस बेस होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा तो देगा। चलो फिर आगे तो अपन आगे पढ़ते हैं, क्योंकि फिर नहीं तो फिर ना क्या होता है, अपन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अपना सिलेबस कंप्लीट होता है फिर एग्जाम के लिए, और फिर अपन कहते हैं नहीं नहीं वो आया। और आपने सर वो सॉल्ट को क्या कहते हैं? एडक्ट बोलते हैं, ए डी डी सी यू, राइट ना, अपन ऐसे लिख दो उसको एडक्ट, ऐसे बोलते हैं ना। तो अपन पढ़ते हैं क्योंकि अपन चाहते हैं ना कि मतलब अपना सिलेबस ना एटलीस्ट एग्जाम से ना एक हफ्ते पहले तो खत्म हो जाए, वरना फिर वो लास्ट मोमेंट पे ना सब गड़बड़ हो जाती है। अपन चलो अब आगे पढ़ते हैं, अब आज अपन पढ़ेंगे, दैट इज आज अपन ने अब तक पढ़ा नहीं कुछ है, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर ही दे रहा था, स्ट्रक्चर ऑफ ऑफ मॉलिक्यूल विच हैव मोर देन वन सेंट्रल एटम। मतलब अपन ऐसे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं अपन जिनके पास एक से ज्यादा सेंट्रल एटम थे, मोर देन वन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम अभी तक अपन क्या कर रहे थे कि एक ही सेंट्रल एटम मिल रहा था अपन को, अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं जिनमें एक से ज्यादा सेंट्रल एटम होंगे वो अपन पढ़ने वाले हैं, विच हैज मोर देन वन सेंट्रल एटम, राइट। सो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल विच हैज मोर देन वन सेंट्रल एटम, अपन ऐसे देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं अपन पढ़ना फिर, ठीक है। अपन क्या करेंगे मोर देन वन सेंट्रल एटम के लिए, दैट इज अपन यहां पर लिखते हैं। अब जनरली जो वो एसिड्स वगैरह के बारे में ही बात करते हैं अपन, लेकिन चेक करते हैं अपन क्या करना है अपन को। तो विल राइट लाइक दिस, तो जिनमें एक से ज्यादा सेंट्रल एटम होते हैं उनमें भी एक कंसेप्ट होता है जिसके बेसिस पे अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो चलो लिखते हैं अपन, व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज, है ना, तो लिखो तुम लोग, व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज नॉर्मल, व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज नॉर्मल इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, when the oxidation state of central atom is normal, bracket में लिखेंगे equal to number of valence electron, then there exist a oxide bond, then there exist a oxide bond between each central atom, there exists a oxide bond between each central atom. There exists
ऑक्साइड बॉन्ड। तो ऑक्साइड बॉन्ड का मतलब होता है कि वन ऑक्सीजन एटम बिटवीन द ईच सेंट्रल एटम, वो ऑक्साइड बॉन्ड होता है। ऑक्साइड बॉन्ड मतलब ऑक्साइड प्रेजेंट होगा तो माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। There exists a repeat कीजिए ना। When there is, when the oxidation state of central atom is, when the oxidation state of central atom is normal, bracket में अपन ने लिखा equal to number of valence electron, equal to number of valence electron, then there exists a oxide bond. Then there exists a oxide bond. आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो ऑक्साइड बॉन्ड के लिए वन ऑक्सीजन एटम। ऑक्साइड बॉन्ड को आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो वन ऑक्सीजन एटम बिटवीन ईच सेंट्रल एटम। ऑक्साइड बॉन्ड बिटवीन ईच सेंट्रल एटम, ठीक है। चलो अपन एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास ऐसे एग्जांपल के बने, अब मैंने आपको सेंटेंस बताया पॉइंट नंबर वन में, दैट इज ऑक्साइड बॉन्ड नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट लिखवाया मैंने आपको, और मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं। सपोज एक एग्जांपल है मेरे पास H2S2O7, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया +6 आया। सबको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना आता है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना नहीं आता है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना सबको आता है, राइट? ठीक है, राइट? अभी मतलब मैंने जॉइनिंग के लिए वैसे कर रखा था वेटिंग रूम में, मानस भी आ गया, अर्नव भी आ गया। मुझे लगता है जब अपन डिस्कस कर रहे थे तो वो लोग भाग गए। हम लोगों को सब आता है सर, तो सब ऐसे बताते रहते हैं सबको, लेकिन जैसे ही पढ़ाना शुरू किया फट से आना शुरू हो गए। ये गलत बात है, ऐसे थोड़ी करते हैं अपन। तो सारी चीजों को सुनो क्योंकि इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, और जिनको जो अपन ये थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं ना, जिसका ये थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर होगा ना, जितना अच्छा उतना अच्छा होगा आपके लिए। थ्योरेटिकल पार्ट ही ये केमिस्ट्री, मतलब क्योंकि एक बार अपना केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गया ना, फिर चैप्टर समझ में भी नहीं आएंगे कब निकल रहे। हर 15 डेज में एक चैप्टर गया, आयनिक में ही थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी 15 दिन में एक चैप्टर गया, समझ में भी नहीं आएगा कल कब कौन सा चैप्टर निकल गया, इसमें टाइम लगेगा। अब इन्फॉर्मेशन इतना ज्यादा है, कैसे रोक सकता हूँ उसको, पढ़ना ही पड़ेगा। अभी देखो ना अपन कितना सारा पढ़े, नॉर्मल क्लास में तो नहीं पढ़ पाए ना अपन उतना, अभी और भी आएगा। जब आप क्वेश्चन पूछोगे, आप क्वेश्चन पूछोगे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, लेकिन वो नॉर्मल क्लास में नहीं आ पाता है। चलो अपन ये कंप्लीट करते हैं क्योंकि अपन ना फिर वो लेट हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना अपन सबको आता है। हाँ हाँ, सारे के सारे अपने मतलब सब एडवांस वगैरह के लिए आज मतलब इस बार रिजल्ट, मतलब क्योंकि बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे ना, आपने रिजल्ट देखा होगा। इस बार रिजल्ट पता क्या है कि जो मतलब अपने पास 78 स्टूडेंट के आसपास थे पनवेल सेंटर पे, 47 क्लियर्ड मेंस, 2 o'clock के पहले 25 क्लियर एडवांस 47 में से। अभी कंपाइलेशन चल रहा है। अब प्रॉब्लम ये था कि उनसे बेचारों से मतलब मैं फरवरी के बाद मिलेंगे, फेस टू फेस मिलेंगे, क्योंकि फरवरी के बाद मिलता तो उसमें रिजल्ट भी बहुत बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आता है, फिर तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। इसलिए मतलब आपको मतलब मुझे लगता है कि हो जाएगा, एक आध महीने में खुल जाएगा सब, तो अपना हो जाएगा और अपन को बहुत मजा आएगा। ऑफलाइन पढ़ने में तो बहुत मजा आता है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक ऑनलाइन चल रहा है ये सोच के पढ़ो कि बाकी बच्चे उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, उतना अच्छा नहीं पढ़ पा रहे जितना बात कर रहे हैं, तो सीरियसली पढ़ो, अपन को बहुत अच्छा होगा, है ना। बहुत मतलब आप देखना उसमें आपको परसेंटेज पता चलेगा, 47 में से अगर 25 अपन परसेंटेज निकाले ना, इतना परसेंटेज नहीं आता। वो जिसका जेई का एडवांस का रिजल्ट जो होता है वो 1% से कम होता है, इतना परसेंटेज थोड़ी होता है रिजल्ट। तो रिजल्ट बल्क में इस बार बहुत ज्यादा रिजल्ट आया। क्लास नोट्स आर इनफ, जो नोट्स पे आप ना ये मत जाओ कि कितना नोट्स दिया, आप इस पे जाओ कि सर ने कंसेप्ट क्या बताए और शीट सॉल्व करो। अच्छा चलो अपन देखते हैं। आपने कहा कि व्हेन द सेंट्रल एटम, नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वहां पर 6 तो आ रहा है, इसका मतलब है। और एक से ज्यादा सल्फर है तो आपने कहा कि भाई सल्फर और सल्फर के बीच में, राइट ना, और क्या करेंगे, सल्फर और सल्फर मतलब देयर विल बी अ बॉन्ड बिटवीन ईच सेंट्रल एटम।
तो अपन लिखेंगे देयर विल बी अ बॉन्ड बिटवीन ऑक्साइड बॉन्ड. ऑक्साइड बॉन्ड का मतलब है एक ऑक्सीजन एटम बिटवीन बिटवीन ईच सेंट्रल एटम. ये तो अब ईच क्या दो ही थे, एक ऑक्साइड बॉन्ड बना दिया. अब क्या करें, तो अपन कहेंगे भाई बना लो आप ऐसे. ये है सिक्स इलेक्ट्रॉन थे, इसके भी सिक्स इलेक्ट्रॉन थे, राइट. अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई मुझे पहले से पता है कि ये जो H2S2O7 लिख रहे हो ना, दिस इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ H प्लस आयन प्लस H2O7 टू नेगेटिव. और ये जो होता है ना, इसका नाम पढ़ा हुआ है हमने, दैट इज कॉल्ड ओलियम पर दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं अपने से. तो आप क्या करोगे, ये दो प्रोटॉन देता है, इसका मतलब है मैं इसको टू नेगेटिव लिख सकता हूं. तो ये तो मुझे पता है कि दो ऑक्सीजन ऐसे होंगे जो सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे, क्योंकि दो हाइड्रोजन है वहां पर. या फिर मैं कहूंगा एक ऑक्सीजन एटम तो बीच में आ गया, बाकी तीन तीन डिवाइड कर दो. स्ट्रक्चर बनाने का तरीका, तो बन कहेंगे एक ऑक्सीजन इधर नेगेटिव चार्ज, एक ऑक्सीजन इधर नेगेटिव चार्ज, बाकी बचे हुए ऑक्सीजन से क्या करें, तो बन कहेंगे डबल बॉन्ड बना. ये लो भाई स्ट्रक्चर बन गया. तो हमें ये पता था कि इस मॉलिक्यूल में सल्फर सल्फर के बीच में एक ऑक्सीजन लिखना है मुझे. मुझे ये पता था कि ये दो प्रोटॉन देता है, दिस इज अ ओलियम, मैंने दो ऑक्सीजन लिखे. अब बचा क्या मेरे पास, तीन ऑक्सीजन हो गए, चार और बचे. हाँ तो इनके पास लोन पेयर है तो दो, तो बनाओ डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, तो बना दिया अपने डबल बॉन्ड. ये लो भाई बन गया स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर. ठीक है भाई, आपने मतलब ऐसे बनाया, हमने उसको बना दिया कि ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है, तो राइट दैट. लेकिन सबसे पहले मुझे कैसे पता चला कि इनके बीच में ऑक्सीजन लिखना है, तो वो मुझे पता चला ऑक्सीडेशन स्टेट से. मान लो मेरे पास ऐसे कितने, एक दूसरा लिखते, मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास ना P4O10 है, स्ट्रक्चर बनाओ. तो अपन कहेंगे ठीक है स्ट्रक्चर P4O10, पहले तो मैं ये चेक कर लेता हूँ फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, प्लस फाइव. ठीक है प्लस फाइव ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं फास्फोरस के, पांच. ठीक है फिर मेरा सेंटेंस है आपके पास, तो अपन क्या करेंगे भाई आपके सेंटेंस के हिसाब से मुझे क्या बनाना चाहिए कि फास्फोरस एटम है अपने पास, तो अपन कहेंगे लो भाई पी ओ पी ओ पी ओ पी, चार फास्फोरस थे, मैंने चार फास्फोरस लिख लिया. आपने कहा था there is a oxide bond, मतलब अगर normal oxidation state आया तो there is a oxide bond between, क्या लिखा था, oxide bond between each central atom. अभी each तो है ही नहीं, अभी तो बनाओ आप each. ये लो बन गया, अब तो हो गया ना each, नहीं अभी भी नहीं हुआ, अब हुआ each. आपने कहा each का मतलब हुआ सभी के बीच में एक एक oxide bond बनना चाहिए, अब हो गया. इसको आप नंबर भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 फास्फोरस एटम सभी के बीच में. आपने सेंटेंस बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया, देयर विल बी अ ऑक्साइड बॉन्ड बिटवीन ईच सेंट्रल एटम, तो हो गया, अभी हो गया. इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके भी तीन इलेक्ट्रॉन हो गए, पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके तीन इलेक्ट्रॉन हो गए, पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके भी तीन इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन गया, पांच होते हैं. कितने ऑक्सीजन बचे हुए हैं, चार, बना दो. ये लो ये लो बन गया स्ट्रक्चर. क्या करना है अपन को, बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया अपन ने, देयर विल बी अ ऑक्सीजन एटम बिटवीन ईच सेंट्रल एटम, बना दिया अपन. अब इसमें ना ऐसे होता है, ऑक्साइड बॉन्ड कौन से होंगे, ये वाले ऑक्साइड बॉन्ड होंगे जो बिटवीन द फास्फोरस एटम होते हैं, तो इसमें सिक्स ऑक्साइड बॉन्ड्स हैं. हाइब्रिडाइजेशन बताओ इसका, तो अपन कहेंगे भाई इसका हाइब्रिडाइजेशन कोई बात नहीं अभी बता देते हैं, इसको तो अपन ऐसे लिखेंगे भाई इसका हाइब्रिडाइजेशन कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके राउंड, चार sp3, किसी एक से बता दो आप इसमें कितने बॉन्ड है, चार सिग्मा बॉन्ड sp3. लो भाई हो गया स्ट्रक्चर, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट से मैं ये बता सकता हूँ कि मुझे कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है. अब दूसरा देखते हैं, मान लो मेरे पास, अब मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, हाउ मेनी सल्फर सल्फर बॉन्ड इज प्रेजेंट इन H3O9,
तो अपन कहेंगे हाउ मेनी सल्फर सल्फर बॉन्ड, मैं कैलकुलेट थोड़ी करने वाला हूं, मैं तो सीधा ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करूंगा, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सिक्स, अगर सिक्स है तो एक भी नहीं है क्योंकि सभी सल्फर के बीच में एक ऑक्साइड बॉन्ड बनेगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अपन को कैलकुलेट करना आता है कैसे, H3O9 है तो 3x लेते हैं माइनस ये 18 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6 आ रहा है, अच्छा +6 देयर इज नो, तो आंसर अपना हो गया 0. व्हाट इज सो, क्योंकि अगर नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +6 तो सभी सल्फर के बीच में एक ऑक्सीजन एटम, दिस इज द स्ट्रक्चर, एक सल्फर दो सल्फर तीन सल्फर इसके बीच में एक हो गया, अब सभी सल्फर एटम के बीच में क्या हो गया, एक ऑक्सीजन बॉन्ड हो गया, अब तो आपको साफ साफ दिख रहा है क्या करना है, सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, लो भाई बना दिया, ये हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है ओके. अब अपन दूसरा पार्ट लेते हैं, इफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, ये बना लो पहले आप, फिर मैं सेंटेंस बोलता हूं फिर से, तो इस टाइप से क्वेश्चन अपन से पूछ लेंगे, और भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये तो एक सेंटेंस है, अभी नॉर्मल अबव नॉर्मल और बिलो नॉर्मल में क्या करेंगे वो सेंटेंस भी लिखने, तो लिखो if the oxidation state of central atom, if the oxidation state of central atom is above normal, if the oxidation state of central atom is above normal, oxidation state of central atom is above normal, then there exist, then there exist a peroxide bond, then there exist a peroxide bond upper, then if the oxidation state of central atom is above normal, above normal, ab normal apan ko pata hai, to apan ko pata hai above normal kya bol raha hai, then there exist a peroxide bond between each central atom, there exist a peroxide bond between each central atom, peroxide bond between each central atom, there exist a peroxide bond between each central atom, to main isko aise likh leta hu, एग्जाम्पल लिखते हैं, अब अबव नॉर्मल का मतलब है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ रहा है, तो फिर ऐसे लिखते हैं H2S2O8, दैट इज पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड, अब पर वर्ड यूज कर रहे हैं मतलब परोक्सिड बॉन्ड तो होगा, पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड इसको अपन मतलब ऐसे वो साइंटिस्ट का नाम जिसने बनाया था, अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मार्शल एसिड भी बोलते हैं, तो अपन कहेंगे भाई इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं, ये तो +7 आ रहा है और किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता ही नहीं, तो फिर क्या होगा, परऑक्साइड बॉन्ड, तो अपन क्या बनाएंगे बता देंगे भाई, ये इधर सल्फर और सल्फर के बीच में दो सल्फर एटम के बीच में दो ऑक्सीजन होंगे, क्योंकि जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बनता है तो दैट इज अ परऑक्साइड बॉन्ड, ये अपन ने बना ना, अगर मान लो ये ऑक्साइड है पर ये परऑक्साइड है, इनको पता है, तो जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा इट इज ऑलवेज अ परऑक्साइड बॉन्ड, सो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तभी तो आप लिख रहे हो कि दो ऑक्सीजन एटम को लिखो बिटवीन ईच सेंटर एटम, परऑक्साइड, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन मुझे दिख रहा है, मुझे क्या करना है, एक तो OH बना देता हूं, बाकी दो ऑक्सीजन ऐसे लिख देता हूं, बाकी से वहां डिवाइड कर देता हूं, तो जैसे आपने कहा था बाकी इक्वल डिवीजन कर लो, ये लो बन गया, तो कह
कैसे पता चला अपन को स्ट्रक्चर कैसे बनाना है? ऑक्सीडेशन स्टेट से, बाकी तो इक्वली डिवाइड करना है ऑक्सीजन एटम। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो अपन कहेंगे इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, किसी भी एक सेंट्रल एटम से चेक करो। इधर जो डबल बॉन्ड है वो कैसे बना रहा है? पी पाई बॉन्ड है, पी पाई डी पाई बॉन्ड है। तो अपन कहेंगे सेंट्रल एटम के पी तो सारे खत्म हो गए हाइब्रिडाइजेशन में, तो सेंट्रल एटम का तो डी ही बना सकता है डबल बॉन्ड, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में भाई एक एस था, तीन पी हो गए, तो पी तो खत्म हो गए हाइब्रिडाइजेशन के। पी फोर थोड़ी होता है, पी के तो तीन ही ऑर्बिटल्स होते हैं ना। अब पी के अगर तीन ऑर्बिटल हो गए तो फोर्थ वाले को क्या यूज करें? उसके बाद क्या यूज करें? डी। तो इसका डी और इसका पी, तो इसमें पी पाई डी पाई, और इधर भी पी पाई डी पाई, इधर भी पी पाई डी पाई, इधर भी पी पाई डी पाई डबल बॉन्ड में, तो चार पी पाई डी पाई बॉन्ड हो गए। पूछेंगे तो बता दें कि बताओ इसमें कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड है, तो अपन कहेंगे सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताओ पहले क्या है। अगर वो sp3 है तो अपन कहेंगे उसका s और p सारा खत्म हो गया, ऑक्सीजन के साथ सिर्फ p होता है, और सेंट्रल एटम के पास p खत्म हो गए तो उसके पास जो भी बॉन्ड बनाएगा ना वो d से ही बना पाएगा, तो पाई बॉन्ड वो सिर्फ d से बना सकता। ये तो बताया थोड़ी देर पहले मैंने आपको, तो अपन पेरोक्साइड बॉन्ड बना देंगे। परोक्साइड में एक तो अपन से ये मॉलिक्यूल पूछेंगे, दूसरा मॉलिक्यूल अपन से पूछते हैं दैट इज उसमें मल्टी सेंट्रल एटम नहीं होता है, लेकिन इसको पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं अपन, पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि मोनो इसलिए क्योंकि यहां पर सल्फर है, मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड विल बी लाइक दिस। सल्फ्यूरिक एसिड जैसे होता ना वैसे ही पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इसमें H2SO4 के एक OH बॉन्ड में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ जाएगा तो वो H2SO4 से H2SO5 बन जाएगा, ये परोक्साइड बॉन्ड माइनस वन वो परमाणु सल्फर गैस। कभी कभी अपन से ये भी पूछ लेते हैं परोक्साइड में CrO5, अब ऑब्वियसली बात है यहां पर अपन को +10 आ रहा ऑक्सीडेशन रेट, वो तो पॉसिबल नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके 6 होते हैं क्रोमियम के, तो उसके हिसाब से अगर बनाएंगे तो अपन लिख देंगे भाई क्रोमियम है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो अपन कहेंगे इसका ना ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा आएगा, ऐसे इन दोनों के बीच में बॉन्ड, इन दोनों के बीच में बॉन्ड -1 -1 -1 -1 -2, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +6 आ जाएगा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें भी +6 आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख लो कैसे, इधर इस बॉन्ड की वजह से -1 इस पे +1, इस बॉन्ड की वजह से इस पे -1 इस पे +1, इधर -2 तो +2, और डबल बॉन्ड है तो यहाँ -2 तो यहाँ +2, देख लो आप टोटल कितना आ रहा +6 आ। इसलिए अपन ने पहले भी एक सेंटेंस लिखा हुआ है जब अपन ने ट्रस्टेबल सीरीज पढ़ा, कभी भी किसी भी सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर कैलकुलेशन में आया तो उसका स्ट्रक्चर बता देगा अपन को कि कैसे ये ऑक्सीजन, अपन क्या कर रहे थे सारे के सारे ऑक्सीजन एटम को -2 ले रहे थे, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन ऐसा है जिसमें -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट्स व्हाई वो ज्यादा आ रहा था। इन दोनों में तो इधर इस बॉन्ड की वजह से इस पे -1 +1 ना, इस बॉन्ड की वजह से इस पे +1 इस पे -1 ना, इस बॉन्ड की वजह से तो 0 आएगा ना, क्योंकि दोनों सेम एटम इलेक्ट्रॉन आइडेंटिटी से, तो फिर दो ऑक्सीजन ऐसे हुए ना जिन पे -1 चार्ज है, और अपन इस कैलकुलेशन में क्या कर रहे थे -2 × 8, वो गलत था। तो मॉलिक्यूल अपने आप ही ऐसे एग्जिस्ट करेगा कि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो ही नहीं सकते ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर सेंट्रल एटम में अगर उससे ज्यादा होता है तो अपन परोक्साइड बॉन्ड बनाएंगे। थर्ड पॉइंट, इफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज, इफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज, इफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज अबव नॉर्मल,
अबव नॉर्मल तो लिखा अपन ने, बिलो नॉर्मल, इफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज बिलो नॉर्मल देन देयर एग्जिस्ट a covalent bond between the central atoms. Then there exists a covalent bond between the central atoms. Then there exists a covalent bond between the central atoms. If the oxidation state of central atom is below normal, then there exists a covalent bond between the central atom. चलो देखते हैं। H2S2O6 मैंने इसको कैलकुलेट किया प्लस 5 आया। एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये प्लस 5 आया तो मुझे पता चल गया कि सल्फर और सल्फर के बीच में बॉन्ड होगा। अब सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड क्यों है? बिकॉज ये 6 आता तो एक ऑक्सीजन होता, 6 से ज्यादा होता तो दो ऑक्सीजन एटम होते, और अगर 6 से कम आया तो कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द सल्फर। ये तो लिखा आपने, तो ठीक है, इधर एक OH लिख देता हूं, इधर एक OH लिख देता हूं, और बाकी स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। ये लो भाई बन गया, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो, ये स्ट्रक्चर हो। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लूंगा किसी भी एक सल्फर एटम का, तो बन गया। अच्छा ठीक है, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास N2O4 है, अब बताओ, तो मैंने नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन में, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं लिखा मैंने कि व्हाई द नेगेटिव चार्जेस कमिंग ऑन ऑक्सीजन, मैं नेगेटिव चार्ज नहीं लिख रहा था, ये तो बॉन्ड के चार्जेस बताए मैंने, ये स्ट्रक्चर इसका, इसका वो नहीं बताया मैंने नेगेटिव चार्ज, ये तो -1 इसलिए लिखा मैंने कि परोक्साइड बॉन्ड बता सकूं आपको। किसी ने अपन को पूछा कि मतलब व्हाई यू आर राइटिंग द नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम, नो नो वी आर नॉट राइटिंग द नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम, राइट ना, अपन ने ये बताया है कि ये वो ऑक्सीजन है जो परोक्साइड बॉन्ड बना रहे हैं, और ये ऑक्सीजन ऑक्साइड बॉन्ड बना रहे हैं। जिस ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है वो ऑक्साइड बॉन्ड होता है, और जिस पे -1 होता है वो परोक्साइड बॉन्ड होता है। यहां भी तो अपन ने लिखा, अपन ने कोई चार्ज थोड़ी लिखे, स्ट्रक्चर तो ऐसे होगा ना, अपन ने तो सिर्फ ये बताया कि ये वो ऑक्सीजन थे जिन पे -1 चार्ज है, अपन ने किसी पे चार्ज नहीं लिखा, स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। तो चलो अपन ये बात कर रहे थे, मैंने क्या किया कि नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया, आई गॉट +4, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 होते हैं, या तो +4 है, अगर +4 है इसका मतलब है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड होगा, और मैं इसको ऐसे लिखूंगा, नाइट्रोजन के मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे ना 5 होते हैं, ये लिखे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन मुझे पता था ये N2O4 है, इसका मतलब है ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। अब अपन कहेंगे नाइट्रोजन में तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, मान लो मेरे पास ऐसे कितने, अब बताओ कैसे करेंगे अपन कहेंगे, मान लो मेरे पास है N2O, तो अपन कहेंगे N2O मतलब ये +1 हो गया। भाई आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना आता है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, तो अपन क्या करेंगे भाई, इधर तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड बनेगा, क्यों? क्योंकि अपन को पता था ये नाइट्रोजन बॉन्ड, ये लो बन गया, ये स्ट्रक्चर है, सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन, N2O4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया ना पहले, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना इसके, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तभी तो उसके मतलब इधर सिंगल बॉन्ड बना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड बना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। भाई नाइट्रोजन 5 बॉन्ड थोड़ी बना सकता है, नाइट्रोजन के पास अपन ऐसे कभी नहीं बना सकते, ऐसे नहीं बना सकता नाइट्रोजन, ये गलत क्वाइट इस, और नाइट्रोजन के पास एक एस ऑर्बिटल है और 3 पी ऑर्बिटल है, तो मैक्सिमम नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4, ये तो आपने सीधा 5 बॉन्ड बना दिया,
पांच बॉन्ड तो बन ही नहीं सकते, पांच कोवलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के लिए इसमें डी ऑर्बिटल भी होना चाहिए जो कि नहीं होता है। तो वो क्या करता है, वो कहता है भाई ठीक है एक लोन पेयर तो कैसे मैं ये ऐसे तो बना सकता हूँ ना, हाँ ऐसे बनाओ, अभी भी चार बॉन्ड ही तो बने इसके अराउंड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो चार बॉन्ड बने ना, तो चार ही बॉन्ड बना सकता है ये, एक एस और तीन पी, तो उनको कोऑर्डिनेट बॉन्ड लेना ही पड़ता है। अगर नाइट्रोजन पांच कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा तो फिर तो अपन कहेंगे एनसीएल फाइव भी एग्जिस्ट करेगा जो कि नहीं करता, क्यों, डी ऑर्बिटल नहीं है उसके, इसलिए मुझे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना ही पड़ा उसमें। नाइट्रोजन हमेशा एक, अगर नाइट्रोजन में पहले वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा फिर डबल बॉन्ड बनाएगा और जरूरत पड़ेगी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, बट नाइट्रोजन कभी पांच कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता, क्यों, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये अपन बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसलिए बनाया बिकॉज नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के सिक्स इलेक्ट्रॉन है ना, तो डबल बॉन्ड बना सकता हूं। अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड बनाता, मैं ऐसे भी इसको ना ऐसे बनाने की कोशिश करता, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बनाता, अब मैं क्या करूं इसको नाइट्रोजन, तो मैं कहूंगा चलो डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करते, एक बच गया, एक बच गया, तो अपन क्या करें, अपन कहेंगे आप ट्रिपल बॉन्ड बना दो और इधर डबल बॉन्ड बना दो, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे बना सकते हैं ना अपन। तो अब अपन को पता है आप यहाँ क्या कर रहे हो, नाइट्रोजन से कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हो, पांच, पॉसिबल ही नहीं, नाइट्रोजन पांच बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बनाए नहीं, क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ, चार से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता, एक एस और तीन पी ऑर्बिटल ही तो है, अगर अपन चार से ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे तो गलत, और वैसे भी अपन कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहते जिसमें किसी एटम का ऑक्टेट एक्सपांड हो जाए, एट एट एट, अपन ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे जिसमें किसी एटम का ऐसे अपन ऑक्टेट एक्सपांड हो रहा हो, इसलिए अपन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना लिया। बट बेस्ट एग्जांपल अपने पास ये है कि नाइट्रोजन कभी पांच बॉन्ड नहीं बना सकता, पांच कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए पांच ऑर्बिटल चाहिए, दिस इज अ लुई स्ट्रक्चर। सेकेंड पीरियड वाले तो लुई स्ट्रक्चर ही बनाएंगे क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल होता ही नहीं, उनका ऑक्टेट कभी एक्सपेंड हो ही नहीं सकता। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस sp2, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस sp2, ये sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp, क्योंकि दोनों तरफ एक एक सिग्मा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है, बता देंगे। अब इस पार्ट में ना फिर एक एक्सेप्शन आता है जो फिर अपन को मतलब थोड़ा सा, क्योंकि वो एक जनरलाइज्ड है इसलिए एक्सेप्शन मतलब अपन जैसे याद भी लगाता है। फॉस्फोरस ऑक्साइड्स, always form oxide bonds. No oxide bonds. ये सिर्फ फॉस्फोरस में होता है, मैं एक किसी ने पूछा स्ट्रक्चर में बोल दूं उसको पहले, फिर अपन वो कह रहा सर SO3 में फिर छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो मैं दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के एक ऑक्साइड बॉन्ड बनाऊं या ऐसे बना दू या ऐसे बना, तो अपन कहेंगे SO3 में आप ऐसे बना दो, सल्फर में डी ऑर्बिटल है वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, तभी तो आपने कहा था ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक पाई बॉन्ड पी पाई है और दो पाई बॉन्ड पी पाई डी पाई है, क्योंकि इसका डी ऑर्बिटल और उसका पी ऑर्बिटल, मतलब वो ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, नाइट्रोजन ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता। अगर
SO3 का लुईस स्ट्रक्चर पूछोगे तो ये है, और SO3 का स्ट्रक्चर पूछोगे तो वो है, दोनों ही करेक्ट, दोनों में रॉन्ग कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आपने पूछा कि व्हाट इज द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ SO3, मैं ये बताऊंगा। लेकिन आपने कहा कि हाउ मेनी पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट इन SO3, तो मैं 3 पाई और 3 सिग्मा बता दूंगा। और जब अपन हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक सिग्मा बॉन्ड जैसे काउंट करेंगे। समझ में आया? और हाइब्रिडाइजेशन में अपन कभी भी पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं। आप इनमें भी तीन सिग्मा बताओ और इधर भी तीन ही सिग्मा बताओ। हाइब्रिडाइजेशन में कभी पाई बॉन्ड की बात नहीं करते, ये तो अपने मना किया कि हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड की बात नहीं करना। आप पी पाई बॉन्ड बता सकते हो, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में कभी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के लिए होता है। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म? तो जो ये बॉन्ड मैं बता रहा हूं ना आपको, पी पाई डी पाई, ये सब मैं हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तीन ऑर्बिटल तो चले गए हाइब्रिडाइजेशन में, मतलब ये तीन तो बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, तो बाकी बचा हुआ पी और डी क्या बताएगा? पाई बॉन्ड। इनसे हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी होता है। तो ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे, ठीक है ना, अब अपन लिखेंगे, दैट इज मैं बात कर रहा था फॉस्फोरस ऑक्साइड के बॉन्ड की। तो फॉस्फोरस में हमेशा वो पहले क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। मतलब अगर मैं ऐसे लिखता हूं P2O3, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 होगा, तो अपन क्या करेंगे, इसमें PP बॉन्ड बनाओ या PO PO बॉन्ड बनाओ? तो अपन कहेंगे फॉस्फोरस के केस में हमेशा पहले PO PO बॉन्ड बनेंगे। PO PO मतलब चाहे PO ऐसे कुछ भी, राइट? तो फॉस्फोरस में ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से बॉन्ड नहीं बनता है। अब पहले वाला जो P4O10 था ना, उसमें तो अपन ने पहले ही PO PO बॉन्ड बनाए थे। तो फॉस्फोरस एक एक्सेप्शन है, सिर्फ फॉस्फोरस है, और इसलिए अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए अपन को याद भी रहेगा फॉस्फोरस पहले PO PO बॉन्ड बनाएगा, चाहे वो किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसके बाद वो दूसरे बॉन्ड बनाएगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, P2O3 है, एक ऑप्शन इधर आ गया, एक इधर लिख देता हूं, लो भाई P2O3। नो एक्सप्लेनेशन। अगर कोई और कंपैरिजन होता तो मैं एक्सप्लेनेशन करता, अभी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, एनी रीजन फॉर दिस? नो, अभी अपन को एक्सप्लेनेशन नहीं देगा इसका। क्यों? क्योंकि वो वर्ड भी बड़ा अच्छा है ना, पीओ पीओ, तो अपन को याद रहेगा सर ने बता रखा है पीओ पीओ बॉन्ड बनेगा, राइट? तो ठीक है भाई, इसका मतलब है कि फास्फोरस में मुझे मान लो पहले ऐसे गिवन है P2O5 गिवन होता तो भी अपन कहते P2O5 होता तो ये बनाता है पीओ पीओ बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड बनाया। अब इसमें एक्सपैंड हो सकता है, ऑक्टेट इसके बना दिया अपन, पांच बॉन्ड बन गए। ठीक है, अच्छा ठीक है, अपने पास ऐसे ही। तो फास्फोरस में मैंने आपसे कहा ना, मान लो मेरे पास गिवन है P2O3 या P4S3, मेरी मर्जी, मैं तो कहूंगा ये कंपाउंड है, बट ये मैच बॉक्स में यूज होता है, बड़ा मतलब ये जल्दी से इग्नाइट होता है, ये कंपाउंड बड़ा अच्छा भी होता है, इसलिए मैंने वो बना दिया। अपन से कहा गया P4S3 बताओ, कहेंगे ठीक है हमें क्या है, आप बना थोड़ी सकते हो, मुझे P4O3 लिख देता हूं, मेरे लिए तो सल्फर और ऑक्सीजन एक जैसे बॉन्ड तो बनाएंगे, एक ही ग्रुप के तो है, तो अपन क्या करेंगे पहले पीओ पीओ बॉन्ड बनाते हैं। चार बनाते हैं, बफर स्ट्रक्चर बन रहा है, एक ग्रुप ना है वो, इसलिए ना कि मैं इधर को बनाऊंगा थोड़ा, इसलिए थोड़ा बड़ा बन जाएगा ना, फिर अपन को दिखेगा भी, वरना फिर दिखेगा नहीं तो गड़बड़ हो गया। ये अब ठीक है,
अपन कहेंगे भाई अच्छा पहले आपने कहा था फास्फोरस में पीओ पीओ बॉन्ड बनाना, बने खत्म हो गए, अब क्या करेंगे अपन? अपन कहेंगे फास्फोरस ना या तो तीन बॉन्ड बनाएगा या तो पांच बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री और प्लस फाइव दोनों होता है जैसे नाइट्रोजन होता है। पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3s2p3। तो या तो तीन इलेक्ट्रॉन निकालो तो प्लस थ्री आ जाएगा और दो और निकालो तो प्लस फाइव आ जाएगा। ठीक है कोई बात नहीं, अब बताओ आगे करना क्या है? तो भाई इससे दो तो बन गए बॉन्ड, अब इसके भी दो बन गए लेकिन इसके तो एक ही बने, अभी तीन बॉन्ड बनाते हैं। अपन क्या करेंगे, मिनिमम तीन तो बनाना ही है अपन को, लो भाई बना लेते हैं। अब इन दोनों में तो पीपी बॉन्ड है तो मैं क्या करूंगा ना, एक बॉन्ड तो इन दोनों में बना दूंगा, एक बॉन्ड इन दोनों में बना दूंगा और एक बॉन्ड इन दोनों में बना दूंगा। मतलब वैसे भी मुझे पता था पीपी भाई ऑक्सीजन खत्म हो गया, अब क्या करूं, तीन बॉन्ड तो बनाना ही है ना, तो मैंने क्या किया, एक दो तीन बॉन्ड, एक दो तीन बॉन्ड, एक दो तीन इसके भी हो गए और एक दो तीन इसके भी हो गए। अब थोड़ा अच्छा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक दो और तीन, मतलब तीन तो पीपी बॉन्ड बन रहे हैं, बना देते हैं थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, तीन पीपी बॉन्ड थोड़ा ऐसे कर देते हैं, ये बनाते हैं तीन पीपी बॉन्ड और इसके साथ पीओ बॉन्ड, इसके साथ पीओ बॉन्ड और इसके साथ पीपीओ बॉन्ड, एक फास्फोरस इधर अपन ने लिखा, इससे पीओ पीओ बॉन्ड, इससे भी पीओ पीओ बॉन्ड, इससे भी पीओ पीओ बॉन्ड और इधर पीपी बॉन्ड, इधर पीपी बॉन्ड, इधर पीपी बॉन्ड। देखो सभी फास्फोरस से एक एक लोन पेयर हटाया मैंने, सभी फास्फोरस पे एक एक लोन पेयर लिखा, बना दिया मैंने। अब ऐसे आर्क थोड़ी बनते हैं, बॉन्ड तो स्ट्रेट लाइन में बनाते हैं अपन, तो मैंने उसको थोड़ा सा चेंज करके बॉन्डिंग जैसे उसको बना दिया। अब क्या करूंगा, अब मैं ऑक्सीजन को हटा के सल्फर डाल दूंगा, क्योंकि ऑक्साइड में आप काफी प्रैक्टिस करवाओगे ना मुझे, ऑक्साइड में अपन काफी फैमिलियर भी होते हैं स्ट्रक्चर्स में, तो आपने सल्फर दे दिया, मैंने उसको सल्फर के जैसे ले लिया, तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, उसको बॉन्ड को अब अपन कन्वर्ट कर देते हैं, भाई फास्फोरस की जगह क्या लिख दें अपन, सल्फर लिख देते हैं। इधर एक फास्फोरस लिखा आपने, एक सल्फर ऐसे बनाया आपने, एक सल्फर इसके साथ और एक सल्फर आपने इसके साथ बॉन्ड बना दिया, मतलब नीचे एक ट्रायंगल बनाया, ऊपर फास्फोरस रखा और सभी ट्रायंगल में क्या कर दिया अपन ने, एस और पी के बीच में एक एस डाल के दो पी के बीच में बॉन्ड बना दिया, तीन पीपी बॉन्ड बने, तो तीन पीपी बॉन्ड बनाए थे आपने, फास्फोरस या तो तीन बॉन्ड बनाएगा या फिर पांच बॉन्ड, तो ठीक है भाई। अब जैसे मान लेते हैं अपने पास ऐसे के बने, मेरी मर्जी, अपन कहेंगे भाई फास्फोरस में तो आपने बता दिया पीओ पीओ बॉन्ड बनेंगे, पहले फास्फोरस में ऑक्साइड में कुछ भी होगा तो पीओ पीओ बॉन्ड बनेगा। अब अपन कहेंगे ठीक है, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है अपने पास, ठीक है फास्फोरस में मैं ऐसे लिखता हूं कि भाई एक ही एक्सेप्शन है फास्फोरस में। अब देखो नोट भी है, एक्सेप्शन भी है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, नहीं यही एक एक्सेप्शन है और यही सबसे ज्यादा पूछेंगे अपन से, क्योंकि अब एक बात अपन को पता चल जाएगा कि फास्फोरस में ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी हो अगर ऑक्साइड है तो पीओ पीओ बॉन्ड बनेगा। पहले तो इसका नाम लिखूंगा मैं, वो है H4P2O6, इसका नाम है हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। पता क्या होता है, अपन ने BIN पढ़ा, अपन ने क्या कहा, जब भी अपन फॉस्फोरिक एसिड लिखेंगे ना तो एक एसिड का मतलब होता है कि सेंट्रल एटम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, प्लस फाइव में होना चाहिए, और उसके बाद अपन क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन हटाओ अस एसिड हो जाएगा, एक और हटाओ हाइपो अस हो जाएगा, ये तो हाइपो एक रहा, हाइपो फॉस्फोरिक एसिड, इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट में कैलकुलेट कर सकता हूं भाई, इधर 10 है 6 प्लस 3 है, प्लस 3 होने के बाद भी
टिक लगा हुआ है, एको भी तो लग रहा है आपने। यही एक फास्फोरस का कंपाउंड है या आप एसिड मान लो जिसमें पीपी बॉन्ड है। इसके अलावा फास्फोरस का कोई कंपाउंड ऐसा नहीं है जिसमें पीपी बॉन्ड, यही एक कंपाउंड ऐसा है जिसमें पीपी बॉन्ड है, इसलिए मैंने उसको एक्सेप्शन में डाला। और सबसे ज्यादा पूछते हैं बन सही है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट को पता रहता है कि भाई ऑक्सीजन फास्फोरस के केस में तो पीओपीओ बॉन्ड बनाने हैं, इसलिए मैंने वो एक्सेप्शन जैसे लिखा। और सबसे ज्यादा अपन से ये पूछ के अपन को गलती कर पाएंगे। बाकी कोई कंपाउंड ऐसा नहीं होता फास्फोरस का जिसमें ऑक्सी एसिड हो या ऑक्सी आयंस हो जिसमें पीपी बॉन्ड होता है। यही एक कंपाउंड है जिसमें पीपी बॉन्ड है फास्फोरस में, अपन गलती नहीं करेंगे। ध्यान रखना इस बात का कि अगर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है तो अपन गलती नहीं करने वाले, इसमें गलती नहीं करना, अपन को कभी कोई गलती नहीं होगी। और फास्फोरस में सबसे ज्यादा यही पूछेंगे, बाकी वो सल्फर वाले ही पूछेंगे जिसमें अपना नॉर्मल कंसेप्ट चलता है। ये तो आपने देख लिया कैसे अपन को बताना है, फास्फोरस के स्ट्रक्चर भी बताए मैंने आपको और कैसे स्ट्रक्चर बनाने हैं वो भी अपन को बताए। अब किसी ने मुझसे एक और बात पूछा है कि H3O9 का स्ट्रक्चर एक बार बता दीजिए। H3O9 जो होता है ना इज प्राइमर ऑफ SO3 एक्चुअली SO3 था, मैंने इसको ना थ्राइस ले लिया। बट अपन क्या करेंगे ना इसका स्ट्रक्चर मैं ऐसे बना दूंगा। एक्चुअली SO3 का स्ट्रक्चर तो मुझे पता है कैसे बनाते हैं SO3 का स्ट्रक्चर। पाई बॉन्ड जो होता है ना वो ऐसे होता है सिग्मा बॉन्ड से परपेंडिकुलर, ये भी सिग्मा बॉन्ड से परपेंडिकुलर, ये भी सिग्मा बॉन्ड से परपेंडिकुलर। यहां जो पाई बॉन्ड है ना अगर वो मॉलिक्यूलर प्लेन से परपेंडिकुलर है ना तो मैं इनको ना ऑर्बिटल मिक्सिंग भी कर सकता हूं। लेकिन मैंने ऐसे नहीं बताया आपको, मैंने तो क्या बताया ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो +6 ऐसे बना लो, सभी सल्फर के बीच में एक ऑक्सीजन होगा बना दिया। लो भाई अब क्या करें भाई, देयर विल बी ऑक्सीजन एटम बिटवीन ईच सल्फर एटम, इन दोनों के बीच में आ गया, इन दोनों के बीच में आ गया, अब इन दोनों के बीच में नहीं था तो बना दिया। अब क्या करना है, बनाओ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे ये लो, कितना मेंबर रिंग बना ये वाला 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मेंबर रिंग, इधर भी तो ये बन रहा है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मेंबर रिंग। देखो और इसको मैं बना के दिखाता हूं, एक बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, एक बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, एक बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, एक बॉन्ड इधर शिफ्ट किया और इधर एक बॉन्ड शिफ्ट, हर एक सल्फर से 2 डबल बॉन्ड बने। ये थोड़ा अच्छा लग रहा देखने में प्राइमर ऑफ SO3 और ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमें क्या फर्क पड़ता है अच्छा लगे या ना लगे। प्राइमर का मतलब है 3 बार लिखना, दैट इज कॉल्ड प्राइमर। डाइमर का मतलब 2 बार, जैसे पॉलीमर होता है n टाइम्स। सर प्राइमर के बाद और कौन सा आता है? टेट्रामर हो जाएगा, 4 हो जाएंगे, लेकिन इसमें नहीं बनेगा, इसमें ट्राइमर ही बनेगा, इसलिए मैंने आपसे वही पूछा बस, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं इसमें स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो हमें तो इससे मतलब नहीं कि भाई क्या है, हमें ये पता था कि SO3 H3O9 क्या करना है सबसे पहले, अच्छा ऑक्साइड है सल्फर का, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, इसका मतलब सभी सल्फर एटम के बीच में एक ऑक्सीजन होगा, लिख लिया। अब बताओ कितने ऑक्सीजन बचे, तो सभी सल्फर के बाद 2-2 लोन पेयर बचे, सबको 2-2 ऑक्सीजन दे दो, स्ट्रक्चर तैयार। कोई कंफ्यूजन नहीं है तुमको, तो इस टाइप से अपन स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं और आप किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अपन से पूछ सकते हैं और उस स्ट्रक्चर में वो पी पाई डी पाई कुछ भी पूछे अपन को सारा कुछ पता है, कैसे बनाना होता है अपन को पी पाई डी पाई सारे बॉन्ड्स कैसे बताने अपन को वो अपन को पता होता है, राइट। तो ये आपका स्ट्रक्चर था। अब अपन चेक करेंगे दैट इज जैसे अपन ने कोई
और स्ट्रक्चर जैसे बताने हैं, तो मैं ना जैसे मान लो अपने पास एक स्ट्रक्चर लेता हूं मैं, और उसमें आप मुझे बताना कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल कंटेन पी पाई डी पाई बॉन्ड्स। Which of the following contain following have p pi d pi bonds? ठीक है, तो अब अपन को ये तो पता है कि भाई डबल बॉन्ड होना कंपल्सरी है सेंट्रल एटम के साथ, वरना कैसे बताऊंगा p pi d pi bond। तो मेरे पास एक ऐसे केवल है, चलो कैलकुलेट कर लिया था। किसी ने मुझसे सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी कंपाउंड भी पूछा था, तो अपना ना केमिकल बॉन्डिंग 5 में भी आएगा वो, और वहां पर मैं आपको बताऊंगा बड़ा अच्छा डिटेल में अपन कैसे बताएंगे, क्योंकि अभी अपन ने आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को और डिटेल में पढ़ना है अभी अपन को, और फजान रूल करके एक होता है वो अपन पढ़ा था तब उसमें और डिटेल में। तो चकिया शुरू करूं,
देखो मैं शुरू करता हूँ, है ना। चलो देखते हैं। अपन को पता है कि भाई मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो आपने दे रखे हैं जिनमें डबल बॉन्ड बन रहा है वो ऑक्सीजन से दे रखे हैं, तो ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल होगा, ऑक्सीजन एटम का पी ऑर्बिटल होगा, क्योंकि पी के अलावा डी होता ही नहीं उसमें। और सेंट्रल एटम का मुझे डी ऑर्बिटल चाहिए, है ना, सेंट्रल एटम का मुझे डी ऑर्बिटल चाहिए, राइट। तो एक बात तो अपने पास पक्का हो गया, अगर सेंट्रल एटम का डी ऑर्बिटल चाहिए तो ऐसा सेंट्रल एटम जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा कम से कम, राइट, कम से कम sp3 होना चाहिए और फिर डी ऑर्बिटल यूज होना चाहिए उसमें, या फिर sp3 है और एक पाई बॉन्ड है, sp2 है और दो पाई बॉन्ड है, या फिर sp है और तीन पाई बॉन्ड है, तो चलेगा। अब वैसे भी अपन चेक कर लेते हैं, मतलब मैंने तो यहां पर लिखा हुआ है, नहीं तो कहोगे सर ये कैसे लिखा आपने, वो मेरा अपना कैलकुलेशन है। अपन ने तो ये कहा कि भाई सेंट्रल एटम में डी ऑर्बिटल होना चाहिए, ऑक्सीजन में तो आपने पी ही रखा हुआ है, चलो इतने से अपन सॉल्व कर देंगे। अब देखो मैं ज़ेनॉन के लिए लिखूंगा, Xc 1 2 3 4 5 6 7 8, एक डबल बॉन्ड बना देता हूँ, चार ऑक्सीजन बना देता हूँ, चार ये बना देता हूँ क्लोरीन, और एक ये S+3P+ कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, दो डी, पता ये तो हाइब्रिडाइजेशन में चला गया। अभी इसमें एक पाई बॉन्ड भी है, मतलब वो क्या होगा, ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल और इसका डी ऑर्बिटल इसमें है, ये ऑक्सीजन का और ये इसका डी ऑर्बिटल, मतलब इसमें पी पाई डी पाई है। चलो SO3 की बात, SO2 की बात, SO2 में क्या होगा अपन को पता है, SO2 में आप एक ऐसे लिखोगे, एक ऐसे लिखोगे और एक लोन पेयर लिखोगे, एक ऐसे दो पी है, एक और पी बनेगा फिर डी बनेगा, ठीक है। अपन क्या करेंगे, ये तो चला गया हाइब्रिडाइजेशन में sp2, इधर दो पाई बॉन्ड दिख रहे हैं अपन को, एक इससे बनेगा और एक इससे बनेगा, मतलब डी पाई पी पाई है, कैसे भाई, तीन तो बन गए ये सिग्मा बॉन्ड ना, लोन पेयर को अपन को सिग्मा बॉन्ड में काउंट करना होता ना, तो तीन तो ये बॉन्ड बन गए, अब दो पाई बॉन्ड है तो दो पाई बॉन्ड किससे बनेंगे, एक पी से बनेगा, पी इसका ऑक्सीजन का पी, फिर डी इसका और ऑक्सीजन का पी, मतलब इसमें पी पाई डी पाई है, एक है ना पी पाई डी पाई, तो अपन कहेंगे इसमें भी है। अब फास्फोरस की बात, POCl3 में मेरे पास फास्फोरस है, तो मैं इसको हटा देता हूं और फिर बन लेते हैं फास्फोरस की बात, POCl3 में अपन कहेंगे भाई फास्फोरस है, तो फास्फोरस में P डबल बॉन्ड हो और Cl3 है ना, एक Cl, दो Cl और तीन Cl, एक S है, तीन P है, फिर D है, फिर D है, ऐसे लिखते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन तो ये हो गया, मतलब चार सिग्मा हो गए ना, अच्छा इसमें एक पाई बॉन्ड भी है, तो अपन कहेंगे फिर भाई पाई बॉन्ड तो यही बनाएगा, मतलब इसमें भी है, इसमें भी है। अब SO3 2 नेगेटिव की बात, SO3 2 नेगेटिव का मतलब हो गया भाई, SO3 2 नेगेटिव मतलब सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिए, दो ऑक्सीजन नेगेटिव बना दिए, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और एक ये, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हो गया हाइब्रिडाइजेशन। अभी एक पाई बॉन्ड भी बनेगा, हाँ तो पी तो चलेगा ना, खत्म हो गया ना, तो अब अगर पाई बॉन्ड बनाना है तो डी से ही बनाना पड़ेगा इसमें भी, क्योंकि भाई एक एस, ये चार हो रहे थे ना सिग्मा बॉन्ड, तो एक पाई बॉन्ड भी है ना, तो सिग्मा बॉन्ड एक एस और तीन पी से बना दिए, अभी डी तो बचा हुआ ना, डी से ही बनाऊंगा पाई बॉन्ड बनाऊंगा, तो ये डी पाई पी पाई बॉन्ड बनेगा उसमें भी है। SOCl2, अच्छा डबल बॉन्ड है, एक Cl, दो Cl और एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर बना दिया, तो अपन कहेंगे ये भी क्या हो गया sp3, और sp3 तो हो गया सिग्मा
सिग्मा सिग्मा सिग्मा और एक पाई बॉन्ड भी है, हाँ तो पाई बॉन्ड तो डी से ही बनेगा क्योंकि sp3 ना सेंट्रल एटम का एक s और तीन p तो हाइब्रिडाइजेशन में गया, तो डबल बॉन्ड कैसे बनेगा अब p के बाद वाले ऑर्बिटल से, तो डी से, ये भी sp3 उसमें ऑब्वियस ही बात है एक डबल बॉन्ड बना हो गया, ज़िनॉन हो गया, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, दो फ्लोरीन हो गया, एक डबल बॉन्ड हो गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव sp3 d, इसका d ऑर्बिटल बन गया हाइब्रिडाइजेशन में, तो फिर पाई बॉन्ड कैसे बनाओगे उसके बाद वाले d से, दूसरा d से, तो दूसरा d इसका और इसका p, इसमें भी है यार, इसमें तो सभी फिर कोई ऐसा एग्जांपल नहीं दिया मैंने, ये है ना, इसमें दोनों में से किसी में d ऑर्बिटल होते ही नहीं, दोनों ही सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, इसमें तो d की बात ही मत करो, वैसे इस कंसेप्ट से उसमें भी बता दो CO2 में, तो अपन कहेंगे CO2 में देख लो उसमें क्या कार्बन है, डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया तो अपन कहेंगे ये S और P, sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया, तो अपन कहेंगे एक S और तीन P होते हैं, फिर D होता है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन में तो सिर्फ ये बना ना sp, तो इसका जो पाई बॉन्ड बनेगा ना, एक पाई बॉन्ड इससे बनेगा और एक पाई बॉन्ड इससे बनेगा, तो ये तो पी पाई बॉन्ड ही बने, पी पाई डी पाई नहीं बने, तो इसका डी तक तो पहुंचे ही नहीं है, उससे पहले ही दोनों पाई बॉन्ड बन गए, इसमें तो बनेगा ही बनेगा, चार सल्फर हैं तो ऑब्वियस ही बात है ये तो बनेगा, ये सेलेनियम ना, तो SCO2 तो सल्फर है तो सेलेनियम भी होगा, SO2 में है तो इसमें क्या आपने सल्फर की जगह सेलेनियम ले लिया, सेम ग्रुप इसमें भी बनेगा, एक छोड़ के सभी में था, अब आप केमिकल बॉन्डिंग वन एंड केमिकल बॉन्डिंग टू दोनों के डाउट्स आकर रेडी होने चाहिए, नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस द डाउट्स, इस बार अपन डाउट्स भी बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाए है ना, क्योंकि बीच बीच में अपन को दो ही क्लासेस मिल रहे थे, इसलिए मैंने इस बार संडे को भी आपका क्लास लगाया सुबह, संडे में पीपे डी पे आया था, हाँ तो आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन लेट चल रहे हैं और क्या, अपन लेट चल रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम, अपन को थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा कि अपन लेट चल रहे हैं इसलिए अगर आया तो अपन मना थोड़ी कर सकते हैं कि भाई उसको नहीं देना ना, बाकी सब कहेंगे सर फिर आप आगे चलते हो तो अपन क्या करें फिर, इलेवेंथ सिलेबस कब तक फिनिश हो जाएगा अपन ये कुछ नहीं बोल सकते अभी, ये तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम लोग कितना जल्दी पढ़ते हो है ना, अगर एक्सप्लेनेशन ज्यादा होगा तो इसी बात है टाइम लगेगा, एक्सप्लेनेशन कम होगा तो जल्दी खत्म हो जाएगा, अदरवाइज इट विल टेक टाइम है ना, तो डिपेंड करता है कि अपन को कितना पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट करना है तो जल्दी कर देता हूँ, सो थोड़ा सा अभी स्लो चलते हैं, पर केमिकल बॉन्डिंग खत्म होने दो, उसके बाद फटाफट खत्म हो जाएगा, जनवरी तक खत्म कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल, lack of d orbital only factor preventing the p pi d pi, चलो ठीक है फिर, तो अपन डाउट्स नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ओके थैंक यू, बाय सर, बाय वेदांत, शंकर भाई बाय, बाय सब लोग, बाय बाय पार्थ।